हे गाइस वेलकम टू द स्टडी विद मयांक मैं हूं आपका मयांक और आई ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा बारह की समाजशास्त्र की पाठ्यपुस्तक भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास आज इसी क्रम में आपका यहां पर अध्याय चौथा है यहां पर हम ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन देखेंगे कि ग्रामीण समाज में कैसे विकास हुआ है किस प्रकार से परिवर्तन आए हैं उन सब बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर देखिए जैसा कि हम पूर्ववर्ती अध्यायों में देख चुके हैं औपनिवेशीकरण का कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संरचना पर भारतीय समाज पर भारतीय समाज में अभी जो ग्रामीण समाज है उसमें खास करके एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्रामीण समाज की जो संरचना है उसमें आमूल चूल परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं बात करें अगर आज के समय की तो आज आप देखते होंगे कि प्राथमिक रूप से ग्रामीण समाज ही है ये हालांकि यह नगरीकरण की ओर बढ़ रहा या है यानी भारतीय समाज की अगर हम बात करें तो भारतीय समाज यानी वास्तविकता यही है कि भारत जो आपको देखने को मिलता है वो ग्राम गांव में ही देखने को मिलता है यानी कि अगर हमारा भारतीय समाज जो है वो वास्तव में एक ग्रामीण सामाजिक है लेकिन बढ़ता हुआ औद्योगिकरण इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग गाँव को छोड़कर नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं भारत के बहुसंख्यक लोग आज भी गाँव में ही रहते हैं आपकी दो हजार एक सेंसस है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है सिक्सटी लोग जो है आज भी गाँव में रह रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका जीवन जो है पूरी तरह से कृषि कार्यों से ही चलता है यानी कि इनका मतलब ये निकल कर आया कि बहुत से भारतीयों के लिए भूमि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है यानी गांव में और कोई साधन तो है नहीं कमाई के केवल उनके लिए क्या है कृषि ही यानी एग्रीकल्चर ही और एग्रीकल्चर में भी जिस जमीन पर वो जोत रहे हैं जमीन या जिस जमीन से फसलें उगा रहे हैं वही उनके उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि भूमि ना तो केवल उत्पादन का साधन है और ना ही केवल संपत्ति का एक प्रकार है ना ही केवल कृषि है जो कि उनके जीविका का एक प्रकार है ये उनके जीने का एक तरीका है वास्तव में ये पूरा जो पूरा आप सिस्टम देख रहे हैं ये उनकी आजीविका या संपत्ति नहीं है बल्कि उनकी एक पूरी जीव लाइफ स्टाइल है यानी पूरा जीने का एक तरीका है यानी इसके बिना गांव में उनकी कल्पना की ही नहीं जा सकती है आप देखेंगे उनकी बहुत सारी सांस्कृतिक रस्में हैं बहुत सारे उनके रीति रिवाज हैं इस पूरे जीने के तरीके से जुड़े हुए हैं जैसे आप देखेंगे उदाहरण के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नए नववर्ष के त्यौहार हैं जैसे आपके तमिलनाडु में पोंगल है आसाम में बिहू है पंजाब में बैसाखी है कर्नाटक में उगाड़ी है ये सब मुख्य रूप से आप देखते हुँ, जानते होंगे कि फसल काटने के समय मनाए जाते हैं और नए कृषि मौसम के आने की ये घोषणा करते हैं तो आप समझ सकते हैं वास्तव में भारत में केवल कृषि जो है एक जीविका का साधन नहीं है बल्कि एक जीने का तरीका है क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं संस्कृति हमारे रीति रिवाज सब कुछ इससे जुड़े हुए हैं तो ये आप समझ सकते हैं यहां पर यहां पर हम देखते हैं कि कृषि और संस्कृति के एक बीच एक घनिष्ठ संबंध है जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा कि हमारे बहुत सारे रीति रिवाज बहुत सारे त्यौहार जो है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और ये आप इनके अलावा ये भी देखते होंगे कि हमारे जो रीति रिवाज हैं या फिर हमारी जो संस्कृतियाँ हैं वो भी भिन्न भिन्न हैं यानी हमारे यहाँ हम एक विविधता वाला देश है और विभिन्ता वाले देश में हमारी ऐसा नहीं है कि सब संस्कृतियाँ एक जैसी हैं जैसा कि आपने देखा नॉर्थ इंडियन की अलग है साउथ इंडियन की अलग है पूर्वोत्तर वालों की अलग है तो यहाँ पर हमारे यहाँ भिन्नताएँ और ये भिन्नताएँ है जो हैं विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों में भिन्नित होती हैं यानी जो जो हमें क्षेत्रीय संस्कृतियों का नाम लिया गया ऊपर उन सब में ये भिन्नताएँ हमें देखने को मिलती हैं आप कह सकते हैं कि ग्रामीण भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना दोनों कृषि और कृषिक यानी एग्रेरियन जीवन पद्धति से बहुत निकटता से जुड़ी हुई है यानी हम ये कह सकते हैं कि वहां पर जो ग्रामीण समाज है ग्रामीण समाज प्रत्यक्षतः है कृषि से और कृषिक यानी कि एक जो कृषक कृषि का कार्य करने वाला व्यक्ति है उस जीवन पद्धति से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है ये हम कह सकते हैं बहुत से ऐसे क्रियाकलाप हैं जो कृषि और ग्राम जीवन की मदद के लिए हैं और वे ग्रामीण भारत के लोगों के जीविका के स्रोत भी हैं इसके अलावा जैसे आप देखते होंगे बहुत से कारीगर जो गाँव से ही आते हैं कारीगर दस्तकार वगैरह जैसे खाती हैं जो लाहे हैं लोहार सोनार ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा और खंड भी है लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि आपको पता होगा औपनिवेशिक काल के दौरान जो जो भी ब्रिटिश सरकार ने नीतियां अपनाई हैं जो भी यहाँ पर अंग्रेजों ने नीतिया अपनाई हैं उसकी वजह से क्या हुआ है हमारा स्थानीय व्यापार पूरी तरह से चौपट हुआ है स्थानीय जो हमारा जो जो भी व्यावसायिक संरचना थी पूरी तरह से ध्वस्त की गई है उस वजह से क्या देखेंगे आप कि औपनिवेशिक काल से ही वे संख्या में धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं इस सबके रीजन आप जानते हैं ऐतिहासिक रूप से आप पढ़कर आए हैं कि क्या रीजन था ये कम क्यों होते जा रहे हैं तो ये औपनिवेशिक सरकार की नीतियाँ थी जिसकी वजह से ये कम होते जा रहे हैं इसके अलावा आप देखेंगे बहुत से अन्य विशेषज्ञ दस्तकार भी हैं जैसे कुछ कहानी सुनाने वाले आजकल तो कम रह गए हैं ज्योतिषी हैं पुजारी हैं बिश्ती बिश्ती का जानते होंगे पहले जो पानी मशक में पानी भर के डालते थे नाली वगैरह में वो बिश्ती होते हैं तेली ये भी कहीं ना कहीं ग्रामीण जीवन में लोगों को सहारा देते हैं इसके अलावा ग्रामीण पद्धति की एक खास पहचान जाति व्यवस्था है इसके बारे में पहले ही जान चुके हैं गांव जो ग्रामीण व्यवस्था होती है खास करके जाति से ज़्यादा प्रतिबिंबित होती है तो गांव में हम ये जाति व्यवस्था बहुत अच्छे से प्रतिबिंबित यहाँ पे होती है देखते हैं यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञ और अपनी सेवाएं जो हैं जैसे धोबी है कुम्हार है सोनार ये सम्मिलित हैं तो यहाँ पर हम जाति का बोलबाला देखते हैं और जातिगत जो भी पैसे हैं उनका भी बोलबाला यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आप कुछ चीज़ें आज भी देखेंगे कई सारे आपके संबंध टूटते नजर आ रहे हैं जैसे ग्रामीण नगरीय आर्थिक के जो परस्पर अंतर संबंध हैं इनसे कई व्यवसाय गांव में आ रहे हैं यानी कि हमारे जो आज जो गांव के परंपरागत व्यवसाय थे वो गांव के व्यवसाय न रहकर अब वो शहरों के प्रोफेशनल व्यवसाय बनकर रह गए हैं बहुत से लोग क्या हैं बहुत से लोग गाँव में रहते हैं नौकरी करते हैं या उनकी जो जीविका है वो ग्रामीण अकृषि क्रियाकलापों पर आधारित होती है या कृषि का मतलब क्या है कहीं फैक्ट्री में उद्योग धंधा कर रहे हैं किसी आ, आ, किसी के यहाँ मतलब नौकरी कर रहे हैं तो ये अकृषि क्रियाकलाप माने जाएंगे यानी आप ये भी देखेंगे गांव के बहुत सारे लोग आज जो है एग्रीकल्चर का कार्य छोड़कर तमाम सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर और भी पैसा अपनाने लगे हैं तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं सरकारी नौकरी में डाकखाने में हैं शिक्षा विभाग में किसी कारखाने में या कामगार हैं या सेना की नौकरी करते हैं यानी कि ये लोग अकृषि क्रियाकलापों में जाके संलिप्त हो गए हैं तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ परिवर्तन आया इनकी संरचना में अगली आपकी जो हैडिंग है यह है कृषिक संरचना ग्रामीण भारत में जाति एवं वर्ग खास करके जैसा कि हम जानते हैं ग्रामीण भारत में आपके जाति व्यवस्था का और वर्ग व्यवस्था का आज भी बोलबाला है और ग्रामीण स्तर पर आपकी जो पहचान केवल इसी से ही दिखाई भी देती है कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं हम आपकी पूर्व जो समाजशास्त्र की किताबें पढ़कर आए हैं उनमें हम हमने ये भी देखा है कि गांव में रहने वाला व्यक्ति लगभग एक दूसरे से अंत्यक्रिया करता है और लगभग पूरे गांव को जानता है जबकि शहरों में ऐसा नहीं है शहरों में बल्कि बिल्कुल औपचारिक तरीके से वो होता है मतलब कि हाय हेलो हाँ, हो गया बस काम चल चल रहा है लेकिन गांव में क्या है गांव में दूर से ही लोग पहचान लेते हैं भाई वो फलानी जाति का है वो फलानी बिरादरी का है वो फलाने मोहल्ले का है तो आप देख सकते हैं गाँव की अंत्यक्रिया शहरों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रकाश होती है तो हम यहाँ पर वही जाति और वर्ग संरचना भी देखेंगे ग्रामीण समाज में जो है कृषि योग्य भूमि ही ये बात आप जानते हैं जीविका का एकमात्र महत्वपूर्ण साधन और संपत्ति का एक प्रकार है लेकिन किसी विशिष्ट गांव या किसी क्षेत्र में रहने वालों के बीच इसका उचित विभाजन नहीं है ये हम सब जानते हैं जरूरी नहीं है कि गाँव में रहने वाले सभी लोग जितने भी हैं उनके पास ज़मीन हो ही हो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है यहाँ पर वही बात लिखी हुई है ना ही सभी के पास भूमि होती है यानी ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि गाँव में रहने वाले सभी लोग कृषक ही होंगे या उन सबके पास जमीन होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सबके पास जमीन नहीं है यानी कि कोई उचित विभाजन नहीं है कोई किसी के पास बहुत ज़्यादा जमीन है किसी के पास बहुत कम जमीन है या किसी के पास बिल्कुल है ही नहीं भारत के कुछ भागों में अधिकांश लोगों के पास कुछ ना कुछ भूमि होती है अक्सर ज़मीन का बहुत छोटा टुकड़ा होता है और कुछ दूसरे भागों में 40 से 50 परसेंट परिवारों के पास कोई भूमि नहीं होती है ये भी देखने को मिलता है यानी कि ये लोग अपना जीवन कैसे भी करके अपनी जीविका से मजदूरी करके या अन्य कार्यों में मजदूरी करके अपनी जीविका चलाते हैं आप ये देख सकते हैं कि ग्रामीण परिवारों में ही बहुत कम ऐसे परिवार हैं जो खुशहाल हैं यानी कि बहुत कुछ जो है थोड़े परिवार जो है बहुत अच्छी अवस्था में ज़्यादातर लोग जो है गरीबी की रेखा के ऊपर या नीचे ही होते हैं यहाँ पर हम देख देख सकते हैं यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे ग्रामीण परिवेश में इन सबके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं उत्तराधिकार के नियमों और पितृवंशी जो नातेदारी व्यवस्था के कारण भारत के अधिकांश भागों में महिलाएं जमीन की मालिक नहीं होती हैं यानी हमारे यहाँ की एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि महिलाओं को जमीन का मालिक नहीं बनाया जाता है रीजन क्या है कि हमारे यहाँ पितृवंशी परंपरा है यानी कि पितृसत्ता का बोलबाला है और इस वजह से महिलाओं को कहीं ना कहीं जमीन का मालिक नहीं बनाया जाता है कानून महिलाओं को पारंबरिक जो पारिवारिक संपत्ति है इसमें बराबर की स्थिति दिलाने में सहायक होता है लेकिन फिर भी आप जानते हैं समाजशास्त्र में हम पढ़ चुके हैं महिलाएँ इस बात का इतना प्रबल विरोध नहीं करती हैं उन्हें अपने संबंधों की ज़्यादा फिक्र होती है वो इतना ज़्यादा हक नहीं जताती हैं वो यही मान के चलती हैं कि मुझ पर नहीं है जमीन पति के नाम है लेकिन है, रहेगी तो हम दोनों साथ रहेंगे तो रहेगी तो हमारे पास ही वो ऐसा सोच लेती हैं तो इस वजह से महिलाएं कहीं जो है इसका प्रबल विरोध नहीं करती हैं या ना ही प्रबल मांग करती हैं वास्तव में उनके पास बहुत सीमित अधिकार होते हैं यानी ये हम जानते हैं भारतीय परिवेश को उठाकर देखें तो हमारे यहाँ महिलाओं को कहने को तो कानूनी रूप से सारे अधिकार दे दिए गए हैं लेकिन सामाजिक परिवेश में बहुत कम अल्प अधिकार उन्हें मिले हुए हैं यानी कि वो और परिवार का हिस्सा होने के नाते भूमि पर अधिकार होता है इसका कि मुखिया एक पुरुष होता है यानी वही घुमा फिरा कर ये है कि उन्हें पुरुष के अधीन ही रहना है यहाँ पर भूमि स्वामित्व के विभाजन या इसकी संरचना के संबंध में अक्सर कृषिक संरचना शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है यानी कि जो भूमि स्वामित्व है या इसका विभाजन है या इसकी संरचना के बारे में एक शब्द है कृषिक संरचना इस शब्द का इस्तेमाल होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि उत्पादन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है और भूमि रखना ही ग्रामीण वर्ग संरचना को आकार देता है वास्तविकता यही है कि कृषि जो है या फिर जो ग्रामीण परिवेश है उसकी कल्पना जो है बिना कृषि के संभव भी नहीं है यानी कि अगर हमें ग्रामीण परिवेश की कल्पना करनी है तो वहां पे कृषि का होना ही एक बहुत बड़ा वहां पर कह सकते हैं आइडेंटिटी है उसकी और कृषि नहीं है तो ग्रामीण परिवेश की हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं तो यहाँ वही है कि ये भूमि रखना जो है ग्रामीण वर्ग संरचना को एक आकार देता है यहाँ पर मध्यम और बड़ी जमीनों के मालिक साधारण कृषि से पर्याप्त अर्जन ही नहीं बल्कि अच्छी खासी आमदनी भी कर लेते हैं यानी कि फिर भी ऐसा नहीं है उनके घाटे नहीं होते उनको भी घाटा उठाना पड़ता है मानसून पर निर्भर है कई बार क्या होता है मानसून या फिर कोई ऐसा तूफान वगैरह आ गया चक्रवात वगैरह जिसकी वजह से फसल नष्ट हो गई या फिर समय से पूर्व वर्षा हो गई तो मतलब ये सब चीज़ें हैं ना घट सब, यदि चीज़ें क्रियाकलाप होते रहते हैं ये सब घटनाएं घटित होती रहती हैं तो तो इनसे बड़े मालिक हों या छोटे मालिक हों सभी को नुकसान होता है हालांकि जो बड़े जमीन जमींदार हैं या फिर मध्यम वर्गीय हैं वो तो कैसे भी झेल जाते हैं लेकिन ऐसे किसान जिन्होंने अपना पूरा पैसा कर्ज लेकर खेती में लगाया है वो वास्तव में बिल्कुल डूब जाते हैं तो यहां पर वही सब चीज़ें हैं लेकिन कृषि मजदूरों को अगर हम अक्सर निम्नतम निर्धारित मूल्य से कम दिया जाता है और वे बहुत कम कमाते हैं उनकी आमदनी निम्नतम होती है खास करके जो ग्रामीण परिवेश में जो भी कृषक मजदूर हैं उनको सरकार ने जो मानक तय किया है कि भाई डेली वेजेस पर इन्हें इतना पे करना चाहिए उन्हें उससे भी कम यहाँ पर आमदनी जो कह सकते हैं उससे उससे भी कम मूल्य दिया जाता है यानी खास करके उनका जो रोजगार है असुरक्षित है असुरक्षित का मतलब क्या है भाई मौसमी रोजगार होता है मौसमी का मतलब ये है कि जब फसल होगी तब काम होगा फसल कटने लायक होगी तब काम होगा फसल तैयार नहीं है खेतों में तो बैठे रहेंगे वो लोग रोजगार नहीं है असुरक्षित रोजगार है इसके अलावा भी मजदूरी पूरी मिलती नहीं है अधिकांश कृषि मजदूर रोजाना दिहाड़ी कमाने वाले होते हैं दिहाड़ी का मतलब क्या है कहीं भवन वगैरह में भवन निर्माण वगैरह में या किसी और उद्योग धंधों में फैक्ट्री में काम करते हैं वर्ष पर बहुत उनमें से बहुत से के पास कोई काम नहीं होता है समान रूप से इसी प्रकार जो काश्तकार या पट्टेदारी होते हैं देखिए ध्यान देना ये काश्तकार वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए जो जमीन का पट्टा करवाता है जैसे लोग कुछ लोग क्या करते हैं जैसे आपने यूपी में देखा होगा बिहार में देखा होगा कि लोग पट्टे पर जमीन ले लेते हैं यानी परमानेंट नहीं लिया एक साल के लिए लीज पर जमीन ले ली और उस लीज का भुगतान कर देते हैं केवल फसल उगाने के लिए तो समान रूप से काश्तकार या पट्टेधारी यानी कृषक जो भूस्वामी से जमीन पट्टे पर ले लेता है की आमदनी मालिक कृषकों से कम होती है क्योंकि मेन बात यह कि उन्हें अच्छा खासा यानी नहीं, नहीं, लगभग 40 से 50 परसेंट तो अपने जो भूस्वामी को ही किराया देना पड़ता है अब जो बचत होती है बचत में भी मौसम की मार लग जाती है कभी कभी तो कुछ भी नहीं बचता है तो कहीं ना कहीं ये भी घाटे में ही रहते हैं लेकिन काश्तकार या पट्टेधारी ये भी घाटे में रहते हैं कि फायदे में ज़्यादा नहीं रहते हैं यहाँ पर ग्रामीण संरचना को अगर हम देखें तो ग्रामीण संरचना में सबसे ज़्यादा हमें याद रखने वाली बात क्या है कि मैंने ऊपर ही बोला है कि ये जो है जाति व्यवस्था के द्वारा संरचित होती है मूल रूप से यहाँ पर बिना जाति के ये संभव ही नहीं है ग्रामीण संरचना की कल्पना करना तो ग्रामीण क्षेत्र में जाति और वर्ग के संबंध बड़े जटिल होते हैं खास करके ये संबंध हमेशा स्पष्टवादी नहीं होते कई बार कई बार हमें ये स्पष्ट रूप में देखने को नहीं मिलते हैं यानी हम ये सोचते हैं कि ऊँची जाति वाले के पास अधिक भूमि और आमदनी होती है और यह कि जाति और वर्ग में पारस्परिकता है उनका संस्त्र नीचे की ओर होता है यानी कि हम कुछ लोग इस दिमाग में हमारे आता है कि भाई ऊंची जाति वाला उसके पास ज़्यादा जमीन होगी उसके पास कह सकते हैं कि ज़्यादा पावर होगी लेकिन कई कई बार क्या होता है ऐसा नहीं होता है बल्कि इसका बिल्कुल उल्टा उल्टा भी होता है कुछ क्षेत्रों में ये मोटे तौर पर सही है लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है यानी आज के समय बदलते हालातों में बदलते परिवेश में जिस तरह से समय बदल रहा है तो अब ऊंची जाति वालों के पास पहले ज़मींदारी कभी रही थी लेकिन आज के समय में नहीं है आज के समय में देख रहे होंगे आज इनकी हालत बिल्कुल वही भूमिहीन कृषक की भांति हो गई है जैसे कई जगहों पर आप देखते होंगे सबसे ऊंची जात ब्राह्मण बड़े भूस्वामी नहीं हैं लेकिन वे कृषिक संरचना से भी बाहर हो गए हैं हालांकि वे ग्रामीण समाज के तो अंग हैं लेकिन कृषिक संरचना से वो लोग बाहर हो गए हैं ये देखने को मिलता है भारत के अधिकांश क्षेत्रों में भू वाले समूह के लोग शूद्र या छत्री वर्ग के हैं यानी कि हम ये भी देखते हैं कि भारत के जो आज जो आपके समाज है ग्रामीण समाज है वहां पर आपको दो वर्ग के लोगों के पास जमीन ज्यादा देखने को मिलेगी या तो शूद्र वर्ग के पास देखने को मिलेगी या फिर छत्री वर्ग के पास देखने को मिलेगी यानी प्रत्येक क्षेत्र में सामान्यतः आपको एक या दो जातियों के लोग ही भूस्वामी देखने को मिलते हैं यानी किसी भी क्षेत्र में आप चला चले जाइए आपको ग्रामीण संरचना में यही देखने को मिलेगा कि एक दो जातियाँ ऐसी होंगी जिनके पास भरपूर जमीन है और बाद बाकी जातियां ऐसी होंगी जिनके पास जमीन है पास जमीन ही नहीं कि उनको मजदूरी करते हैं तो यहां पर समाजशास्त्री आपके एम एन श्रीनिवास ने ऐसे लोगों को प्रबल जाति का नाम दिया है जिनके पास जमीन होती है उन्हें एम एन श्रीनिवास ने हम प्रबल जातियों के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास इलेवंथ में तो इन्हें प्रबल जाति का नाम दिया है इनका मानना यह है कि प्रत्येक क्षेत्र में प्रबल जाति समूह काफी शक्तिशाली होता है और आर्थिक और राजनीतिक रूप से वह स्थानीय लोगों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखता है जैसे यूपी के जाट और राजपूत हैं कर्नाटक के बोका लिगास हैं और लिंगायत हैं आंध्रा के कम्मास और रेड्डी हैं पंजाब के जाट सिख और ये क्या है प्रबल भूस्वामी के कुछ उदाहरण हैं गुजरात के पटेल हैं तो ये कुछ उदाहरण हैं आपके सामने प्रबल जातियों के इनके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं तो आज आप देखेंगे कि ये जो प्रबल जातियाँ आज, आज आप देख रहे हैं कभी इनकी स्थिति वैसी नहीं थी जैसी आज है कभी ये भी क्या एक मतलब एक मजदूर भू मजदूर हुआ करते थे भूकृषक भू, हुआ करते थे लेकिन समय के साथ जब बदलाव हुए कह सकते हैं कर व्यवस्था जो अंग्रेजों ने लागू की उसमें बदलाव हुए कर व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो अधिकार दिए अंग्रेजों ने उसकी वजह से इनकी सामाजिक परिस्थिति में भी कहीं ना कहीं बदलाव हो गया यानी कि सामान्यतः आप देखते होंगे जो प्रबल भूस्वामियों के समूहों में मध्य और ऊंची जाति समूहों के लोग आते हैं यानी खास करके जो मिडिल जातियाँ रही हैं आपकी सामाजिक पायदान में और या फिर जो उच्च जातियाँ वो लोग आते हैं अधिकांश सीमांत किसान हैं या फिर भूमिहीन लोग निम्न जाति समूहों के होते हैं यानी कि जो जिनके पास बहुत कम जमीन है या फिर बिल्कुल ज़मीन नहीं है वो लोग निम्न जातियों के होते हैं दफ्तरी वर्गीकरण के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यानी ऑफिशियली इनको देखें तो इन्हें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के नाम से संदर्भित किया गया है संविधान में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और या फिर अब तो नया भी शामिल कर दिया ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास तो ये इन जातियों के रूप में जाने जाते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियाँ या फिर अन्य पिछड़ों के होते हैं जिनके पास जमीन नहीं है भारत के कई भागों में पहले जो अछूत या फिर जो दलित जाति कही जाती है इन्हें भूमि रखने का अधिकार नहीं था ये हम पहले ही जानते हैं इतिहास में वे अधिकांश से प्रबल जाति के भूस्मी लोगों के कृषि मजदूर रहते थे यानी कि ये जो जिनकी जो दलित समूह के व्यक्ति आते हैं उन्हें जमीन रखने का अधिकार नहीं था वो खास करके जो प्रबल जाति हैं उनके यहाँ एक मजदूर की माथ काम करते थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इनका शोषण होता था वो सब हम बातें पहले ही हम जान चुके हैं जाति और वर्ग का जो अनुपात जो था ग्रामीण परिवेश में अच्छा नहीं था खास करके विशिष्ट अर्थ में सबसे अच्छी जमीन जो और साधन होते थे वो खास करके उच्च और मध्य जातियों के पास थे उनके पास शक्ति भी थी विशेषाधिकार भी थे और समाज में जैसा करना चाहें वो कर सकते थे देश के अधिकतर क्षेत्रों में आप देखेंगे जो सत्ताधारी सत्ताधारी जो अधिकारी या जाति के सभी जो हैं इनके पास सभी संपूर्ण महत्वपूर्ण संसाधन हैं और सभी मजदूरों पर इनका जो है नियंत्रण भी है यानी कि सत्ताधारी जो, सत्ता जो लोग हैं कह सकते हैं यहाँ पर जो, जो उच्च और मध्य जातियों के जो लोग हैं तो इनके पास कहीं ना कहीं विशेषाधकार भी हैं शक्तियाँ भी हैं तो कहीं ना कहीं इनका पूरा नियंत्रण है पूरी ग्रामीण व्यवस्था पर नियंत्रण है खास करके मजदूरों पर भी इनका नियंत्रण है ताकि वो उनके लिए काम कर सकें उत्तर भारत में वैसे तो संविधान में बेगार प्रथा खत्म कर दी है आर्टिकल 23 के तहत लेकिन फिर भी हमें बेगार और मुफ्त मजदूरी जैसी पद्धति देखने को मिलती है गांव के जमींदार या भूस्वामी के यहाँ जो निम्न जाति समूह के सदस्य हैं वर्ष में कुछ निश्चित समय दिनों के लिए मजदूरी करते हैं मजदूरी है उनकी उन्हें ये लगता है भाई मजदूरी नहीं करेंगे तो हमारी जो भी मदद जो कर देते हैं कभी कभार वो मदद भी नहीं मिलेगी हमें

आप देखेंगे सामाजिक रूप से ये सब चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं आज भी कहीं ना कहीं जो ऊंची जातियां हैं या फिर जो सामाजिक रूप से मजबूत लोग हैं वो आज भी जो है निम्न जातियों का शोषण कर रहे हैं जहां जहां स्थित हैं तो यहां पर ये वही बात पता है ये कानून की तरह की व्यवस्थाएं समाप्त हो चुकी हैं लेकिन फिर भी आप देखने को मिलेंगी इसके अलावा कुछ और जातियों का जिक्र किया गया है जैसे उत्तरी बिहार के एक गाँव में अधिकतर भूस्वामी भूमिहार हैं और यह भी एक प्रबल जाति है आपकी उत्तरी बिहार की तो ये जिक्र आपने पढ़ लिया प्रबल जातियों के बारे में हम पहले भी इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं अगली आपकी जो हेडिंग है यह भूमि सुधार के परिणाम कि भूमि सुधार से क्या परिवर्तन आया है और अपने औपनिवेशिक काल में भूमि सुधार करने के लिए क्या क्या कोशिश की गई है कहीं ना कहीं हम यहाँ पर देखेंगे जो भूमि सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनकी वजह से तमाम ऐसी जातियां जो कभी निम्न जातियों की श्रेणी में आती थी वो आज मध्यवर्गीय जातियां बन गई हैं या फिर प्रबल जातियों के रूप में वरकर सामने आई हैं तो वो हम यहाँ पर देखेंगे भारत में ऐतिहासिक कारणों से कुछ मात्र क्षेत्र मात्र एक या दो मुख्य समूहों के प्रभुत्व में रहे हैं अगर हम ऐतिहासिक कारणों में से देखें तो हमारे यहां वर्ण व्यवस्था का बोलबाला था और वर्ण व्यवस्था में दो ही जातियों को ऊपरी पायदान पर रखा गया था ब्राह्मण और छत्री को रखा गया था तो हम देखेंगे कोई दो ही जो समूह है यही प्रभुत्व में रहे हैं लेकिन फिर भी हमें जानना बेहद आवश्यक है बेहद महत्वपूर्ण है कि कृषिक संरचना पूर्व औपनिवेशिक से औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के पश्चात बृहद रूप में परिवर्तित होती रही है यानी यह बात बिल्कुल सही है जो आज आप प्रसिक्ष समरचना देख रहे हैं वो अंग्रेजों के आने के से पहले भी परिवर्तित थी अंग्रेजों के आने के बाद परिवर्तित हुई है और स्वतंत्र भारत में किस तरह से परिवर्तित हुई है ये भी हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है यानी कि जबकि वही प्रबल जाति पूर्व औपनिवेश काल औपनिवेशिक काल में भी प्रसिक्ष जाति थी वे प्रत्यक्ष रूप में जमीन के मालिक नहीं थे यानी यहाँ पर वही लाइन दोहराई गई जो मैंने आपको बता रहा था कि अभी आप जो प्रबल जातियाँ देख रहे हैं इनमें से तमाम जातियाँ ऐसी हैं जो पूर्व औपनिवेशिक काल पूर्व औपनिवेशिक का मतलब क्या अंग्रेजों के आने से पहले आज से अलग दो साल पहले ये ऐसी जातियां हुआ करती थी इनके पास जमीन भी नहीं थी ये भी मजदूर हुआ करते थे यानी ये जमीन के मालिक नहीं थे लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ अंग्रेजों ने इन्हें अधिकार दिए अधिकार देने का मतलब क्या हुआ इनकी एक सामाजिक परिस्थिति जो है मजबूत होती गई है और प्रबल जाति बन गई है तो हम देखेंगे जो अभी जो प्रबल जातियां हैं पहले इनके स्थान पर क्या हुआ करता था पूर्व औपनिवेशिक काल में इनके स्थान पर जो शासन करने वाले समूह होते थे वो स्थानीय राजा होते थे या फिर जमींदार यानी कि भूस्वामी जो अपने क्षेत्र में राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होता था छत्री या अन्य ऊंची जाति का उसे जमींदार बनाया जाता था तो ये आप जानते होंगे तो ये लोग भूमि पर नियंत्रण रखते थे खास करके आप देखेंगे किसान या फिर कृषक जो कि उस भूमि पर कार्य करता था वह फसल का एक पर्याप्त भाग इन जमींदारों को इन स्थानीय राजाओं को देता था लेकिन जब ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में आए हैं तो उन्होंने कई क्षेत्रों में इन स्थानीय जमींदारों द्वारा ही काम चलवाया है यानी इनके जगह लगान वसूल किया है यानी तय कर दिया है कि भाई हमको लगान का मान लीजिए जो आपकी कर टैक्स है हम जैसे 80 परसेंट टैक्स हमें चाहिए 20 परसेंट आपको हम दे देंगे तो इस वजह से कहीं ना कहीं ज़मींदार वगैरह थे इनके अधिकारों में वृद्धि हुई है और इन्होंने अपने पास कह सकते हैं गुंडे वगैरह या फिर जो लठैत वगैरह रखने स्टार्ट कर दिए ताकि बल के साथ लोगों से कर वसूला जाए इन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि कोई मरे या जिए इन्हें तो अपना केवल क्या है कर वसूल करना है तो ऐसे में क्या है इनके ऊपर भी दबाव होता था कि इन्हें कर वसूलना है अंग्रेजों ने अधिकार दे दिए थे तो कहीं ना कहीं इनकी पावर बढ़ती चली गई है उन्होंने जमींदारों को संपत्ति के अधिकार भी दे दिए ब्रिटिश लोगों के लिए काम करते हुए उन्होंने जमीन पर पहले से ज्यादा नियंत्रण मिल गया क्योंकि अब जमींदारों से ब्रिटिश जो ब्रिटिश अधिकारी उन्होंने अपने अजो गठजोड़ कर लिया है कि आपको हमें इतना टैक्स देना है उसके बदले में हम आपको इतना प्रोवाइड करवाएंगे तो ऐसे करके कहीं ना कहीं आप देखेंगे इनकी जो परिस्थिति है मजबूत होती चली गई है हालांकि अपनिवेशकों ने कृषि भूमि पर बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया था और जमींदार कृषक से क्या है टैक्स के रूप में जितनी ज़्यादा उपज और पैसा ले सकते थे ले लेते थे, थे। यानी कि खास करके जमींदारों नेम जो जम जमकर ज़, ज़, शोषण किया है जितना टैक्स ले सकते थे जितनी ज़्यादा उपज ले सकते थे पैसा ले ले लेते थे, थे तो ये परिणाम ये निकल कर आया है कि इस काल में जो हमारा कृषि उत्पादन है बिल्कुल नगण्य के बराबर पहुँच गया है और नगण्य के बराबर पहुँचने का परिणाम ये रहा है हमारे जो जमींदार हैं जमींदारों ने तरह तरह के अत्याचार किए हैं यानी किसानों को अपने दबाव में इन्होंने पीस डाला है तमाम हमारे हमारे यहाँ अकाल पड़े हैं और युद्ध भी हुए हैं तो हमारे यहाँ जनता जो भूख से ही मर गई भूखमरी से ही मर गई है ये स्थिति हमारे भारत में बनी है परिणाम यही हुआ कि ये जमींदारी प्रथा जो इन्हें अधिकार दिए गए थे इन लोगों ने एक परसेंट भी भारतीय जनता के बारे में नहीं सोचा केवल इन्होंने अपनी स्थिति चमकाने को यह केवल उतारू रहे हैं तो हम ये देखते हैं यहाँ पर औपनिवेशिक भारत में आप देखेंगे बहुत से जिलों में प्रशासन जो था प्रशासन के कार्य जमींदारी व्यवस्था के द्वारा ही चलता रहा था लेकिन कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ था सीधा जो ब्रिटिश शासन के अधीन हो गए थे कुछ क्षेत्र तो उनमें यहाँ पर भू प्रबंध जो था वो रेयतवाड़ी व्यवस्था के द्वारा होता था खास करके साउथ इंडिया में रेयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी यानी तेलुगु में रेयत का क्या होता है किसान कृषक होता है और इस व्यवस्था में जमींदार के स्थान पर जो कृषक है यानी वास्तविक कृषक है यानी खुद बहुदा जमींदार होते थे ना कि कृषक यानी कि एक बोल सकते हैं एक बड़ा कृषक के तौर पर एक बड़े किसान हैं खेत में तो उन वो ही टैक्स चुकाने के लिए जिम्मेदार होते थे तो ऐसे करके आप देखेंगे यहां पर जो मीडिएटर वाला जमींदार वाला सिस्टम है रैयत्न में खत्म कर दिया है और जो वास्तविक कृषक है उनसे ही टैक्स लिया जा रहा है तो यहाँ पर ऐसे करके आप देखेंगे इन लोगों को कहीं ना कहीं टैक्स का भार भी कम हो गया टैक्स का भार इसलिए कम हो गया क्योंकि जमींदार जो होता था वो भी बीच में अपना अपना टैक्स निकालता था अपना पैसा वसूलता था तो इस वजह से दोहरा इन पर मार पड़ती थी लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर जो वास्तविक कर है वो उतना ही लग रहा है तो इसलिए इन पर टैक्स का भार कम हो गया और कृषकों को कृषि निवेश में यहाँ पर अधिक प्रोत्साहन भी मिला तो आप देखेंगे कि इन क्षेत्रों में उत्पादन ज़्यादा हुआ है और यहाँ के लोग जो है संपन्न भी हुए हैं यानी रैयत रैयतवाड़ी वाली व्यवस्था वाले जो लोग हैं वो संपन्न भी हो पाए हैं यहां पर हम देखेंगे स्वतंत्र भारत में क्या परिवर्तन आया कृषि व्यवस्था में स्वतंत्र भारत में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनके जरिए हमारी जो सामाजिक कृषि की जो संरचना है ग्रामीण परिवेश की संरचना है उसमें बदलाव जो आया है वो हम यहाँ पर देखेंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत के स्वतंत्र होने के बाद आपके नेहरू जी और उनके जो नीति सलाहकार हैं तो इन्होंने नियोजित विकास के कार्यक्रमों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया है क्योंकि इनका मानना यह था बिना प्लानिंग के भारत का विकास संभव नहीं है क्योंकि अंग्रेज जिस हालत में देश को छोड़कर गए थे वहां से आगे ले जाने के लिए हमें एक प्लानिंग की जरूरत थी और एक नियोजित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाने की जरूरत थी तो हमने नियोजित विकास का यहां पर मॉडल अपनाया है खास करके नीति निर्माताओं ने उस समय भारत की जो निराशाजनक कृषि स्थिति है तो उस पर अपने जवाबी मुद्दे बताए हैं किस वजह से यहां पर कृषि की हालत इतनी ज़्यादा खराब है इनमें शामिल किए कि गए कुछ मुख्य मुद्दे क्या थे सबसे पहला मुद्दा यहां पर था कि हमारे यहां पैदावार कम हो रही थी इसका रीजन ये था क्योंकि हम परंपरागत रूप से खेती कर रहे थे हमारे यहाँ कृषि में नवीन अनुसंधान नहीं हुए थे कृषि में कोई नवीन खोजें नहीं हुई थी तो हमारे यहाँ जो भी बीज वगैरह होते थे वो क्या करते थे जैसे इस बार फसल उगा ली और इस बार फसल उगाने के बाद जो भी उनके जो बचा हुआ जो अधिशेष होता था बचा हुआ जो होता था उसको वो बीज के रूप में रख लेते थे, थे तो इस वजह से लगातार पैदावार कम होती जाती थी इसके अलावा आयातित अनाज पर हमारी निर्भरता ज्यादा थी आपको पता होगा पी एल जो हमारी थी जिसके जरिए हम अमेरिका से गेहूँ मंगाते थे इसके जरिए अमेरिका से आयात किया जाता था गेहूँ का और ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग में गहन गरीबी का भी होना था गहन गरीबी होने का परिणाम यही था कि आपकी जमींदारी व्यवस्था और और अन्य तरह की जो अंग्रेजों के द्वारा व्यवस्थाएं लगाई गई थी व्यवस्थाएं लागू की गई थी जिसकी वजह से कृषि जो होती लगातार उसका क्षण होता गया है कृषि के स्थान पर उन्होंने व्यवसायिक कृषि को बढ़ावा दिया है और खाद्यान्न की ओर उनका बिल्कुल ध्यान था ही नहीं तो इस वजह से आप देखेंगे कि जो ग्रामीण जनसंख्या है इसका एक बड़ा भाग गहन गरीबी से गुजर रहा था तो कृषि की उन्नति के लिए कृषि संरचना में महत्वपूर्ण सुधार किए जाएं और विशेष रूप से जो भू भूसामित्व और भूमि के बंटवारे की व्यवस्था है इसमें भी सुधार किए जाएं यानी कि जो नेहरू जी थे और इनकी नीति निर्माताओं को ये भी बात मालूम थी कि जब तक हम ये ग्रामीण संरचना में जो भूमि बंटवारा है इसको प्रॉबर तरीके से नहीं करेंगे तब तक भू सुधार करना भी यहाँ पर कोई कह सकते हैं उसका कोई परिणाम निकलकर नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादातर जमीनें क्या है आपकी जमींदारों के हाथ में हैं जब तक जमींदारों के हाथ से जमीनों मुक्त नहीं होंगी तब तक हम जो है जो भूमिहीन कर सकें उनको जमीनें नहीं दे पाएंगे और तब तक भूमि सुधार हो भी नहीं पाएगा तो आप देखेंगे सन उन्नीस सौ पचास के सत्तर के बीच भूमि सुधार कानूनों की एक श्रृंखला को यहां पर शुरू किया गया खास करके राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर भी इसे चलाया गया है इरादा क्या था कि परिवर्तन लेकर आना है यहां पर सबसे पहले विधेयक में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण परिवर्तन यही था जो तो जमींदारी आपकी व्यवस्था है इसको बिल्कुल समाप्त किया जाए और इससे क्या हुआ बिचौलियों की फौज समाप्त हो गई यानी जो बिचौलिय टाइप है जो कि किसानों से कर लेकर पहले ब्रिटिश सरकार को देते थे अब वो फौज यहाँ पर गवर्नमेंट ने समाप्त कर दी है विधेयक लाकर इसके अलावा भू सुधार के लिए पास किए कानूनों में सबसे संभवत है सबसे अधिक प्रभावशाली ये कानून था और यह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भूमि पर जमींदारों के उच्च अधिकारों को दूर करने में और उनकी आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों को कम करने में यह सफल रहा यानी जो भू सुधार ये विधेयक लेकर आए ये कानून बना तो इससे कहीं ना कहीं जो जो भी जमींदारी वगैरह रही है वो खत्म हो गई जमींदारों की जो परिस्थिति या सामाजिक परिस्थिति या जो भी उनके राजनीतिक अधिकार हैं उनमें भी कमी आई है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो ग्रामीण जो जो भी क्षेत्र है उसकी सामाजिक संरचना में परिवर्तन भी आया है इस कानून के जरिए हालांकि जो जमींदारी उन्मूलन है इसने भ सामंतवाद या पट्टीदारी या साझा कृषि व्यवस्था को पूरी तरह साफ नहीं किया यानी कि सरकार की जितनी अपेक्षा थी उतनी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा लेकिन हाँ कारगर जरूर रहा ऐसा नहीं कहेंगे कि वह कारगर नहीं रहा कारगर रहा क्योंकि जमींदारी व्यवस्था लगभग खत्म हो गई लेकिन फिर भी आप देखेंगे कुछ जो प्रथाएं थी वो आज भी बदस्तूर जा, जा रही हैं लेकिन अब उनका स्वरूप बदल गया है यह कई क्षेत्रों में चलता रहा कृषि संरचना की जो बहुत आयामी पर्तो में फैला हुआ जो भूमि सामंतवाद केवल सबसे ऊपर वाली परतों में ही समाप्त हुआ यानी कि जो टॉप टॉप लेवल के बड़े बड़े जो भू सामंत थे या बड़े बड़े जमींदार थे के वो तो खत्म हो गए लेकिन छोटे छोटे स्तरों के जमींदार या भू सामंत थे वो आज भी कायम है लेकिन हाँ आज उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है और उनके अधिकार अब बिल्कुल न के बराबर रह गए हैं भू सुधार कानूनों के अंतर्गत आप देखेंगे अन्य मुख्य कानून जो था वो था पट्टेदारी का कामूलन और नियंत्रण या नियमन अधिनियम जो पट्टेदारी व्यवस्था है यानी जो काश्तकारी वाली व्यवस्था है तो इसको यहाँ पर और ज़्यादा सुदृढ़ किया गया इसके लिए और ज़्यादा नियम बनाए गए यानी अब उन्होंने यहाँ या तो पट्टेदारी को पूरी तरह से हटाने का प्रयत्न किया या जो किराए के नियम बनाए गए ताकि पट्टेदार को कुछ सुरक्षा मिल सके यानी पहले क्या होता था पट्टेदार की मान लीजिए फसल चौपट होगी उसको फिर भी अपने भूस्वामी को जो है कर देना है तो यहाँ पर कुछ ऐसे नियम बनाए गए जिसके जरिए इससे इन सब इन सबको इन इन सबको जो है इससे राहत मिल जाए यानी यानी कि जो विपरीत परिस्थिति में उन्हें कर चुकाने से राहत मिल जाए अधिकतर राज्यों में ये कानून कभी भी प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं किया गया इन कुछ राज्यों ने इन्हें प्रभावशाली तरीके से लागू करने में अपनी जो कह सकते हैं स्थानीय राजनीति की वजह से इनमें जो दिलचस्पी नहीं दिखाई उन्हें लगता था अगर हम स्थानीय स्तर पर इन्हें लागू करेंगे तो हो सकता है जो हमारे वोटर हैं वो हमसे विमुख हो जाएं और वोटर हमसे अगर विमुख हो जाएंगे तो हो सकता है अगले चुनाव हम जो है हार जाएं और तो यहाँ पर आप देखेंगे राज्य सरकारों ने इन्हें लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है पश्चिम बंगाल और केरल में जो कृषिक संरचना में यहाँ पर आमूलचूल चूल हमें परिवर्तन देखने को मिलता है यहाँ पर पट्टेदार को भूमि के अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं इसमें भूमि सुधार में तीसरी चीज़ और निकल कर आई है क्या है यह है भूमि की हदबंदी अधिनियम यानी एक भूमि का हदबंदी या चकबंदी जिसे हम बोलते हैं वो भी अधिनियम यहाँ पर आया था तो इस कानूनों के तहत यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा तय कर दी गई कि भाई एक परिवार कितनी सीमा में जमीन रखेगा हदबंदी के तहत तो वो सीमा यहाँ पर तय की गई प्रत्येक क्षेत्र में हदबंदी भूमि के प्रकार उपज और इसी प्रकार के कारकों पर यह निर्भर थी कि भाई हदबंदी किस किस तरह की भूमि की की जाएगी कितनी की जाएगी मान लीजिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन है उसकी हदबंदी कम होती थी जबकि जो अनुपजाऊ बिल्कुल कह सकते हैं रेह वाली जो जमीन है रेह या कलर, कलर कलर रेत वाली जमीन है तो वहाँ पर जमीन की हदबंदी की सीमा अधिक होती थी तो ये खास करके ये सारे जो काम थे वो राज्यों को करने थे तो राज्यों में पटवारी वगैरह लिखपाल वगैरह उनको करने थे तो यहाँ पर राज्यों का ये कार्य था और वे यहाँ पर निश्चित करें कि अतिरिक्त भूमि यानी हदबंदी की सीमा से ज़्यादा जो भूमि है उनका वो अधिग्रहण कर लें और इसे भूमिहीन परिवारों को तय की गई सीढ़ी के अनुसार पुनः वितरित कर दें जैसा कि शिड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में है देखिए आपको पता होना चाहिए आज भी ये कानून है किसी आपको शेड्यूल कास्ट व्यक्ति की अगर ज़मीन लेनी पड़ती है खरीदनी हो तो क्या कानून बना हुआ है आपको एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ती है यानी कि आपको संबंधित जो भी आपकी तहसील पड़ रही है उस तहसील के एस से आपको परमिशन लेनी पड़ती है तब किसी एस वाले व्यक्ति की एस टी वाले व्यक्ति की आप जमीन अधिग्रीत कर सकते हैं वो इसलिए किया गया है कि पुराने समय में क्या होता था जो जमींदार वगैरह होते थे वो जो कहीं ना कहीं इन लोगों को टॉर्चर कर कर प्रताड़ित करके इनसे जो है जमीन जबरन जबरन लिखवा लेते जमीन पर जबरन कह सकते हैं कागजों पर जबरन अंगूठा लगवा लेते थे, थे जैसे आपने तमाम मूवियाँ देखी होंगी तमाम मूवियों में आपने देखा होगा पकड़ कर खेत में पकड़ कर गए हैं कोई व्यक्ति मर रहा है उसके हाथ को पकड़ कर अंगूठा लगवा दिया तो इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए यहाँ पर अब गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है कि मान लेते हैं कि ऐसी वाला व्यक्ति है उस पर तय सीमा से कम भूमि है तो उसकी भूमि का वो अपनी भूमि बेच नहीं सकता है और बेचेगा तो कुछ कंडीशंस रखी गई हैं उन कंडीशंस को अगर वो पूरा कर रहा है तो उसकी ज़मीन बिक सकती है मैंने यूपी का तो मुझे मालूम है अन्य राज्यों का नहीं मालूम है यूपी में तो यही है कि मान लीजिए कोई ऐसी का व्यक्ति है और उसे अपनी जमीन बेचनी है या सामने वाला व्यक्ति ऐसी का नहीं है किसी और जाति का है तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है उसके बाद बैनामा होता है यानी रजिस्ट्री उसके बाद रजिस्ट्री हो पाती है तो यहाँ पर आप देखेंगे इनमें से बहुत से ऐसे बचाव के रास्ते भी थे यानी जो आपकी हदबंदी कार्यक्रम थे आप सभी ये बात तो अच्छे से जानते होंगे भारत में कोई कानून आता है उसका विकल्प पहले निकल आता है यानी तोड़ पहले निकाल लेते हैं लोग तो यहाँ पर भी वही था हदबंदी वाला जो अधिनियम चल रहा था हदबंदी वाला जो कार्यक्रम चल रहा था तो इसमें भी बचाव के रास्ते और युक्तियां निकालनी जिससे परिवारों और घरानों ने अपनी भूमि को राज्यों से देने से बचा लिया कैसे निकालनी वो भी आप देखेंगे यानी जैसे बड़ी बड़ी किसी के पास जो जागीरें टाइप थी बड़ी बड़ी किसी के पास जमीनों के टुकड़े थे तो उन्होंने क्या किया ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और इन लोगों ने क्या किया इन्हें अपने रिश्तेदारों के नाम कर दिया बड़े होशियार ये लोग थे जो भी बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे जागीरें जिनकी हुआ करती थी उन्हें उन्होंने क्या हुआ इन्हें जागीरों में बड़ी जागीरों को या इन्हें तोड़ दिया है और अपने जो भूमिहीन या भूस्वियों ने अपने रिश्तेदार हैं या फिर इनके नौकर चाकर हैं इनके नाम पर यह बेनावी संपत्ति, संपत्ति के रूप में इन्हें तब्दील कर दिया है कई जगह पर तो यह देखा गया है कि कुछ स्थानों पर कुछ अमीर किसानों ने अपनी पत्नी को वास्तव में तलाक दे दिया यानी कानूनी तौर पर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और वैसे साथ में रह रहे हैं ऐसा इसलिए उन्होंने किया है क्योंकि इस एक अधिनियम है सीलिंग अधिनियम की व्यवस्था उससे बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया है क्योंकि तलाक देने के उपरांत ये होता है कि महिला को उसका भरण पोषण के लिए कुछ देना पड़ता है आपको तो ये क्या करते थे अपनी फिफ्टी परसेंट जमीन जो होती वो महिला के नाम कर देते थे तो ऐसे करके वहाँ भी वो बचा ली जमीन तो कहने का मतलब यहाँ पर ये यह है ये बात तो आप जानते ही होंगे भारत में कोई कानून आता है उसका तोड़ पहले निकल आता है तो यहाँ भी ये जो कानून लेकर आई ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए यहाँ पर लोगों ने उसका तोड़ पहले ही निकाल लिया कि हमें करना क्या है बड़ी बड़ी जागीरें हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों में बांट दी कुछ ने ये किया कि भाई पति पत्नी को तलाक दे दिया ऑफिशियली वैसे साथ ही रह रही है पत्नी अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती भाई भाई पति पत्र, पत्नी मर्जी से रह रहे हैं पति पत्नी ने मर्जी से तलाक लिया है बाद में अपनी मर्जी से रहें या ना रहें उनकी मर्जी है गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती ऑफिस ऑफिशियली तो अलग हो गए हैं लेकिन सामाजिक रूप से आज भी एक है तो ऐसे करके लोगों ने कहीं ना कहीं सरकार को चूना लगा दिया सरकार को कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हैं बट्टा लगा दिया और अपनी जमीनें यहाँ पर बचा ली हालांकि यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट का कार्यक्रम था वो बिल्कुल विफल तो नहीं था लेकिन हाँ यह है पूरी तरह से सफल भी नहीं हो पाया अगली आपकी जो हैडिंग है यह है हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणाम यानी ये तो आपने ऊपर हदबंदी वाला जो आपका प्रोग्राम है भू सुधार आंदोलन है वो भी आपने देख लिया है अब जो हमारे हरित क्रांति हरित क्रांति लेकर आए हैं तो इसके सामाजिक परिणाम क्या निकल कर आए हैं आप सभी ये बात तो जानते होंगे नेहरू जी को जब एक बार अमेरिका वालों ने मुंह पर इन्हें एक जवाब दिया था उसके उससे भी उसी समय नेहरू जी के मन में ये बात आ गई थी कि हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है खाद्यान्न के मामले में किसी का मुंह नहीं देखना पड़े हमें तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने हरित क्रांति को अपनाया है इसके यानी आप देखेंगे साठ सत्तर के दशकों की हरित क्रांति द्वारा उन क्षेत्रों में जहाँ यह प्रभावशाली रही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और हरित क्रांति कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था यानी एक गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोच कार्यक्रम था हरित क्रांति इसके लिए आर्थिक सहायता जो थी वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा दी गई थी यहां पर आप देखेंगे यह अधिक उत्पादकता अथवा संकर बीज जो होते हैं हाई इल्ड वेरायटी जो एच वाई बी जो बीज हैं, इनके साथ कीटनाशक खाद किसानों के लिए अन्य निवेश देने पर यह केंद्रित थी ये कार्यक्रम आपको ध्यान देने वाली बात है ये उन्हीं क्षेत्रों में लागू किया गया था जहाँ पर इरीगेशन प्रॉपर तरीके से इरीगेशन था यानी सिंचाई की समुचित व्यवस्था थी तो वहाँ पर नए बीजों और कृषि पद्धति हेतु समुचित जल की आवश्यकता थी, थी। देखिए नए पद्धति के जो बीज थे नई पद्धति की जो भी तकनीकें थी जरूरत उनके लिए ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई हो ज़्यादा से ज्यादा उन्हें पानी मिले तो जहां पर ज़्यादा सिंचाई की व्यवस्था थी जहाँ पर अच्छा खासा पानी था वहीं पर गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग करवाई और ये कार्यक्रम खास करके गेहूँ और चावल इसमें टारगेट किया था किया गया था इन क्षेत्रों में लक्षित किया गया था परिणाम स्वरूप आप देखेंगे जो हरित क्रांति पैकेज है इसकी प्रथम लहर केवल कुछ क्षेत्रों में आपको पंजाब पश्चिमी यूपी तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में ही आपको देखने को मिलती है लेकिन जो हरित क्रांति आई है हरित क्रांति ने कहीं ना कहीं जो ग्रामीण समाज की संरचना है उसमें परिवर्तन फिर से लेकर आई है ये तो हम वही देखेंगे यहाँ पर कि नई तकनीक के द्वारा जो कृषि उत्पादकता में यहाँ पर वृद्धि हुई है दशकों के बाद जो पहली बार भारत जो है खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलंबी बनने में सक्षम हुआ है हरित क्रांति की वजह से उन्नीस सौ अस्सी के, के दशक तक हमारे पास इतना ज्यादा खाद्यान्न होने लगा था कि हमारी देश में खुद जरूरतें अपनी जरूरतें पूरी होने लगी थी हरित क्रांति सरकार और इसमें योगदान देने वाले वैज्ञानिकों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई लेकिन इसके कुछ नकारात्मक सामाजिक प्रभाव पर्यावरण के विपरीत प्रभाव भी यहाँ पर देखने गए हैं तो उनके बारे में चर्चा करेंगे क्या क्या इसके नकारात्मक प्रभाव पड़े वो भी हम देखेंगे हरित क्रांति चूंकि एक वैज्ञानिक पद्धति थी और एक आधुनिक पद्धति थी तो इस पद्धति में खर्चा बहुत आ रहा था तो खर्चा बहुत आने की वजह से क्या हुआ मूल रूप से मध्यम और बड़े किसान इस तकनीक का लाभ उठा पाए क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत महंगा था निवेश बहुत महंगा था लेकिन छोटे और सीमांत किसान तो इसे उठाने में सक्षम ही नहीं थे केवल बड़े किसान इसे अपना सकते थे तो यहाँ पर आप देखेंगे जब कृषक मूल रूप से स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं और बाजार के लिए उत्पादन करने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें हम जीवन निर्वाही कृषक कहा जाता है जीवन निर्वाह का मतलब क्या है कि अपने परिवार का पालन पोषण करना है मान लीजिए कोई किसान परिवार है केवल उसे अपने घर घर के लिए यानी अपने परिवार के लिए उगा रहा है खेती कर रहा है तो उसे जीवन निर्वाही कृषक कहेंगे तो यहाँ पर इन्हे, इन्हें इन्हें ही आमतौर पर कृषक की संज्ञा भी दी जाती है जीवन निर्वाही कृषक को आमतौर पर उन्हें कृषक भी बोला जाता है जो केवल अपने परिवार के लिए कमाते हैं वहीं जो काश्तकार या फिर किसान हैं वे हैं जो परिवार की आवश्यकता से अधिक अतिरिक्त उत्पादन करने में सक्षम होते हैं ताकि वो बाजार से भी जुड़े हों तो इन्हें किसान के रूप में जाना जाता है काश्तकार के रूप में जाना जाता है खास करके हरित क्रांति का लाभ इन्हीं लोगों को मिला क्योंकि इन्होंने अतिरिक्त उत्पादन किया यानी या 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 अपने उपभोग से ज्यादा उत्पादन इन्होंने किया है हरित क्रांति और इसके बाद होने वाले जो कृषि व्यापारीकरण की का जो मुख्य लाभ है ये उन किसानों को मिला है जो बाजार के लिए अतिरिक्त उत्पादन करने में सक्षम थे यानी खासकर काश्तकार या किसान टाइप जिन्होंने बाजार के लिए उत्पादन किया उन्हें लाभ मिला है छोटे किसान तो इसे अडॉप्ट कर ही नहीं पाए हैं मेन चीज़ क्या है बहुत ज़्यादा इनमें इन्वेस्टमेंट था तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने की वजह से ये छोटे किसान तो इसे कर ही नहीं पाए हैं तो आप देखेंगे हरित क्रांति के प्रथम चरण साठ और सत्तर के दशकों में नई तकनीक जो लागू हुई है इससे ग्रामीण समाज में बहुत सारी असमानताएँ बढ़ने का आभास भी हुआ है हम देखेंगे अच्छी आर्थिक स्थिति वाले किसान हैं जिनके पास जमीन है पूंजी है तकनीक है जानकारी है नए बीजों को और खादाऊँ में जो पैसा लगा सकते थे वो अपना अच्छा खासा उत्पादन बढ़ा पाए हैं अच्छा खासा पैसा भी कमा पाए हैं हालांकि कई मामलों में इससे क्या हुआ है जो पट्टेदार कृषक हैं वो बेदखल भी हुए हैं बेदखल क्यों हुए हैं जब गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि हम हरित क्रांति के लिए बढ़ावा देंगे हरित क्रांति के लिए आर्थिक सहायता देंगे तो जो किसान पहले खुद खेती ना कर पट्टेदारों को अपनी जमीन उठा देते थे पट्टेदारों के थ्रू खेती करवाते थे उन्होंने क्या किया है पट्टेदारों से जमीन छीन ली है और अब वो खुद खेती करवाने लगे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे भूस्वामियों ने पट्टेदारों से जमीन वापस ले ली है अब वो सीधे कृषि कार्य करने लगे हैं क्योंकि अब यहाँ पर ज्यादा मुनाफा होने लगा है तो यहाँ पर आप देखेंगे धनी किसान यहाँ पर और ज़्यादा संपन्न हो गए हैं जैसे पंजाब हरियाणा के जो किसान आप देख रहे होंगे वर्तमान स्थिति में वो संपन्न क्यों है वो इसी वजह से संपन्न है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर किसानों को ये लाभ मिला इसी का और जो भूमिहीन और सीमांत भूधारक हैं इनकी दशा यहाँ पर और ज्यादा बिगड़ती गई चली गई यानी हरित क्रांति से जो सोचा गया था वो अपेक्षाओं के बिल्कुल उलट रहा है हालांकि हम उत्पादन के मामले में अपने खाद्यान्न के मामले में तो आत्मनिर्भर हो गए हैं लेकिन हमारी जो सामाजिक परिस्थिति है सामाजिक संरचना है उसमें बदलाव नहीं आया उसमें यहाँ पर हमें कह सकते हैं उसका रिवर्स देखने को मिला है इसके अतिरिक्त आपकी जो पंजाब एम और कुछ क्षेत्रों में कृषि उपकरण हैं जैसे टिलर ट्रेलर जो थ्रेसर हैं हार्वेस्टर के प्रयोग ने जो सेवा प्रदान करने वाली जातियां थी इन तमाम जातियां ग्रामीण प्रदेश में ऐसी होती हैं जो कि अपनी सेवाएं प्रदान करती थीं और उन्हें उसके बदले में अनाज मिल जाता था तो जब नवीन उपकरण आए हैं नवीन टेक्नोलॉजी आई है तो ये सेवा प्रदाता जातियाँ इनका भी वर्चस्व गाँव से समाप्त हो गया है आपने देखा होगा आज भी अगर ग्रामीण प्रदेश में जाए तो लोग क्या करते हैं आ, कहीं अनाज कट रहा हो अनाज जैसे गेहूं की का सीजन चल रहा है भी तो गेहूं जब गेहूं की फसल कटती है तो गेहूं की फसल कटने के उपरांत क्या करते हैं वो लोग पैसे फैसे नहीं देते हैं बस गेहूं दे देते हैं मतलब जो भी फसल होती है हो, वही फसल उन्हें दे देते हैं मजदूरों को लेकिन अब चूंकि अब तो औद्योगिक गढ़ का युग आ गया औद्योगिकरण मशीनीकरण का युग चल रहा है और मशीनीकरण में ये आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर गेहूँ देने से काम नहीं चलेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सेवा वाली जातियाँ थी वो कहीं ना कहीं इस तरह से बेदखल हो गई हैं यानी उनकी स्थिति एकदम बिगड़ गई है और इस बेदख बेदखली की जो प्रक्रिया ने जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरी क्षेत्रों की ओर प्रवसन की गति और बढ़ा दी है यानी सेवा करने वाली जो जातियाँ बड़े जमीदार बड़े जमींदार या बड़ी बड़ी जातियों के सेवा करती थी अब उनकी मजदूरी मजबूरी ये बन गई है कि अब वो करें तो करें क्या क्योंकि ये इनकी दया पर यहाँ पर जीवित रह रहे थे इनके यहाँ पर काम कर रहे थे अब यहाँ पर इनका जरूरत है ही नहीं क्योंकि सारा काम मशीनों के द्वारा हो रहा है तो ऐसे करके ये लोग फिर पलायन करने लगे हैं नगरीय क्षेत्रों की ओर उन्मुख होने लगे हैं हरित क्रांति की अंतिम परिणति जो है वो है विभेदीकरण की प्रक्रिया विभेदीकरण का मतलब क्या है डिस्क्रिमिनेशन जिसमें क्या है धनी अधिक धनी हो गया है यानी कि यहाँ पर जो पैसे वाला है और ज़्यादा पैसे वाला हो गया है और निर्धन जो है पूर्वत रहे हैं या फिर ज्यादा गरीब हो गए हैं हमें ये देखने को मिलता है ये हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा विभिदीकृत इसका परिणाम देखने को मिलता है और इस वजह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों में मजदूरों की मांग बढ़ी है यहाँ पर कुछ चीजें ये भी आई हैं कि ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन होने से कुछ और भी प्रभाव पड़े यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिली है जब हरित क्रांति बढ़ी है फसलों का उत्पादन ज़्यादा होने लगा है तो कृषि में मजदूरों की मांग भी बढ़ गई है तो यहाँ पर मजदूरों की मांग बढ़ने की वजह से क्या हुआ कृषि मजदूरों का रोजगार उनकी दिहाड़ी में भी बढ़ोतरी हो गई है इसके अतिरिक्त जो कीमतों की जो बढ़ोतरी है तो इसने कृषि मजदूरों के भुगतान के तरीकों में बदलाव किया है पहले क्या था खाद्यान्न दिया जाता था जैसे गेहूँ चावल दिया जाता था नगद नहीं दिया जाता था लेकिन अब क्या है अब यहाँ पर नगद देने की परंपरा चल पड़ी है क्योंकि भाई अब दिहाड़ी जो है नगद दी जाएगी तो नगद भुगतान से क्या है अधिकतर ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक दशा खराब हो गई क्योंकि अब कीमतें बाजार यानी नगद भुगतान का मतलब क्या है उन्हें बाजार कीमत पर अनाज अनाज खरीदना पड़ेगा और बाज़ार कीमतें कीमत जो वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं तो कहीं ना कहीं जो इन्हें धनराशि का भुगतान किया गया है वो अल्प है बहुत ज़्यादा नहीं है जो प्रचलित कीमतें हैं उससे कम है तो कहीं ना कहीं इनकी दशा जो है और ज़्यादा खराब हो गई है तो आप देखेंगे हरित क्रांति के प्रथम चरण के अनुकरण में इसका दूसरा चरण वर्तमान में भारत के फिर सूखे आंशिक सिंचित क्षेत्रों में लागू किया गया और प्लानिंग यही है कि यहाँ पर सूखा कृषि को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए इस तरह की यहाँ पर प्लानिंग की गई है तो ये प्लानिंग यहाँ पर कर रखी है इन्होंने इस तरह की मतलब कि सूखा कृषि जो सूखी कृषि से है इससे सिंचित कृषि की ओर एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बदलाव लाएं और यहाँ पर जो क्रॉप पैटर्न है उनमें भी बदलाव आए जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि आपके यहाँ जो व्यापारीगढ़ लगता लगातार बढ़ता जा रहा है यानी कि जो व्यावसायिक फसलें होती हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है तो जैसे कुछ जो गहों पर आप देखेंगे कपास की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है जीवन व्यापार की असुरक्षा को घटाने की बजाय बढ़ाया ही है यहाँ पर यानी पहले लोग केवल और केवल क्या थे खाद्यान्न फसलों पर डिपेंड थे तो खाद्यान्न में क्या था केवल खाने खाने लायक कमा पाते थे खाना खाने, खाने लायक यहाँ पर उगा पाते थे लेकिन अब यहाँ पर क्या है बाजार की मांग के अकॉर्डिंग भी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं तो उनको मुनाफा भी हो रहा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे किसान जो एक समय अपने प्रयोग के लिए खाद्यान्न का उत्पादन करते थे अब अपनी आमदनी के लिए बाजार पर निर्भर हो गए हैं ये हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा और बाजारोमुखी कृषि में यहाँ पर खास करके जब एक ही फसल लगातार उगाई जाती है तो कीमतों में क्या होगा कमी हो जाती है या फिर खराब फसल से किसानों की आर्थिक बर्बादी हो सकती है और ये आप उन्नीस की जो आर्थिक महामंदी आई है अमेरिका में तो इसी बात का परिणाम है जब लगातार सभी किसान एक ही फसल उगाते रहे हैं गेहूं ही गेहूं उगाते रहे हैं तो गेहूं की इतनी ज़्यादा आ, कह सकते हैं अधिकता हो गई है उसको खरीदने वाले ही नहीं रहे हैं और एंड में कीमत इतनी ज़्यादा गिरी है कि एक महामंदी का दौर स्टार्ट हो गया है तो कहीं ना कहीं जो भी है पैटर्न है फसल का वो बहुत फसली पैटर्न होना चाहिए यानी कि एक समय में एक से ज़्यादा फसलें उगाई जानी चाहिए जिससे क्या है आपके बाजार की जो व्यवस्था है वो मेंटेन रहे मान लीजिए सभी किसान देश के सभी किसान केवल गेहूं ही उगाएं तो क्या होगा ऑब्वियस सी बात है गेहूँ सब नहीं खाएंगे भाई कोई किसान कोई चावल खाना चाह रहा है कोई जो है ज्वार्वार खाना चाह रहा है कोई कुछ खाना चाह रहा है तो यहाँ पर भौभिवत भौविद्य जो फसली पैटर्न है उसको अपनाया जाना चाहिए और इससे क्या होगा आपकी जो व्यवस्था है वो खराब नहीं होगी तो हरित क्रांति के अधिकांश क्षेत्रों में किसानों ने बहुफसली कृषि व्यवस्था जिसमें वे जोखिम को बांट सकते थे इसके स्थान पर एकल फसली कृषि व्यवस्था को अपनाया यानी हरित क्रांति में हमें एक सबसे बड़ा खामी खामी जो है ये भी देखने को मिलती है कि ज़्यादातर पहले किसान क्या होते थे भावभी फसलें उगाते थे, थे लेकिन अब यहाँ पर चूंकि बढ़ावा गवर्नमेंट ही प्रपोज कर रही है कि आपको केवल गेहूँ और चावल उगाने इनमें से दो ही ऑप्शन है आपके पास तो यहाँ पर एकल फसली कृषि व्यवस्था को अपनाया गया अर्थ यहाँ पर ये यह निकल कर आया कि अगर फसल नष्ट हो जाती है तो उनके पास निर्भरता हेतु कुछ भी नहीं है भाई अब एक फसल नष्ट हो गई अब दूसरी है ही नहीं उनके पास क्योंकि सारा पैसा उन्होंने एक फसल के उत्पादन में लगा दिया तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे हरित क्रांति के इंपैक्ट बहुत ज़्यादा पड़े नेगेटिव इंपैक्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं हरित क्रांति की रणनीति की एक नकारात्मक परिणति ये भी बनी क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई बे क्षेत्र यहाँ पर तकनीकी परिवर्तन हुआ अधिक विकसित हो गए जबकि अन्य क्षेत्र जो थे पूर्वत रहे जैसे हरित क्रांति से देश के पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी भागों पंजाब हरियाणा खास करके पश्चिमी यूपी में ये अधिक लागू किया गया तो यहाँ पर आप पाते हैं यहाँ पर अधिक विकास हुआ है वहीं आपका बिहार पूर्वी यूपी इसके अलावा तेलंगाना जैसे सूखे क्षेत्रों में जो कृषि तुलनात्मक रूप से अविकसित रही है क्योंकि यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया गया है और आज भी यहाँ का परिणाम यहाँ के किसान झेल रहे हैं दंश यहाँ के किसान झेल रहे हैं यानी यहाँ पर यही वे क्षेत्र हैं जहाँ पर सामंतवादी कृषि संरचना आज भी सुस्थापित है जिसमें भूधारक जातियाँ तथा भूसामी निम्न जातियां भूमिहीन मजदूरों और छोटे किसानों पर अपनी सत्ता बरकरार रखे हुए हैं यानी इन क्षेत्रों में आज भी देखेंगे आपको ये सब देखने को मिल जाएगा ये पूरा पुराना वाला सिस्टम जो है आपका यानी कि आज भी सामंतवादी व्यवस्था यानी जमींदार कह सकते हैं एक तरह से जमींदारी व्यवस्था यहाँ पर आज आज भी देखने को मिल जाएगी जबकि देश हमारा आज़ाद हो गया है जिसको आज़ाद हुए सत्तर साल हो चुके हैं कानून वगैरह बन चुके हैं लेकिन फिर भी यहाँ की जो सामाजिक संरचना है उसमें परिवर्तन नहीं आ पाया है खास करके बिहार पूर्वी यूपी वाले इलाकों में ये स्थिति देखने को मिलती है यहाँ पर आप देखेंगे अक्सर यह सोचा जाता है कि कृषि की वैज्ञानिक पद्धति की जानकारी देने से भारतीय कृषकों की दिशा में सुधार होगा तो आप यहाँ पर यह भी आपको याद रखना चाहिए कि भारतीय कृषक सदियों से हरित क्रांति के प्रारंभ से कहीं पहले से ही कृषि कार्य करते आ रहे हैं उन्हें कृषि भूमि उसमें बोई जाने वाली फसलें इनके बारे में बहुत सघन और विस्तृत पारंपरिक जानकारी है यानी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास जानकारी नहीं थी हमारे पास टेक्निक नहीं थी हमारे पास सब कुछ था दिक्कत ये थी गवर्नमेंट ने हमें कहीं ना कहीं लगातार प्रताड़ित किया है जमींदारों ने हमारा लगातार शोषण किया है इस वजह से कृषि संरचना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है वरना हमारे यहाँ अच्छा खासा उत्पादन होता था अच्छी खासी पैदावार थी सब कुछ था लेकिन दिक्कत यही थी कि नीतियाँ गलत थी नीति निर्माता गलत थे और बीच में यहाँ पर शोषणकारी लोग यहाँ पर आ गए थे इस वजह से ये पूरी संरचना जो है इसका कह सकते हैं समूल नाश हो गया ऐसी बहुत सी जानकारियाँ हैं जैसे बीजों की बहुत सी पारंपरिक किस्में हैं जिन्हें किसानों ने सदियों से उन्नत किया था लुप्त होती जा रही हैं क्योंकि जो संकर या जैविक सुधार वाले जो बीज हैं एजवाई बी बीज बोले जाते हैं इनकी किस्मों को अधिक उत्पादकता वाले और वैज्ञानिक बीजों के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है तो ऐसे में हमारी जो परंपरागत बीज हैं परंपरागत वैरायटी वाली जो फसलें हैं वो खत्म होती जा रही हैं और बहुत से ग्रामीणों का ये विश्वास भी है आज भी ऐसे लोग मानते हैं कि जो पुरानी परंपरागत बीज वगैरह हैं उनमें कह सकते हैं उनमें ताकत ज़्यादा होती है यानी वो स्वास्थ्यवर्धक ज़्यादा होती हैं आजकल जो नए जो आपके प्रयोगशालाओं में बने बीज हैं प्रयोगशाला में संकर बीज जो हैं उनमें गुणवत्ता भी नहीं उतनी ज़्यादा होती है इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभकारी भी नहीं होते हैं तो ये बात कहीं ना कहीं सही भी निकल कर आती है आप देख रहे हो तमाम तरह की जो बीमारियों का आपके अंदर विकास हो रहा है तमाम तरह की बीमारियाँ आपके शरीर में पनप रही हैं तो उन सबकी देन यही बीज है शंकर किस्म के बीज हैं जिन्हें कहीं जेनेटिक रूप से आप देखेंगे जेनेटिक रूप से इन्हें मिक्स करके बनाया गया है तो आप ये सब बीजों की वजह से ही आपके शरीर में तमाम तरह के बदलाव आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक परिणाम भी आपको देखने को मिल रहा है स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में परिवर्तन कैसे आया है जैसे हम देखेंगे यहाँ पर गहन कृषि के कारण यानी कि अब हरित क्रांति आई है और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया है तो यहाँ पर मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है पहले भुगतान में अनाज मिलता था अब इसके स्थान पर नगद भुगतान होने लगा है इसके अलावा पारंपरिक जो बंधन हैं इनमें शिथिलता आई है यानी कमजोर हुए हैं भूसामी या किसान या कृषि मजदूर इन्हें पहले बंधुआ मजदूर भी कहते थे तो इनके मध्य पुस्तैनी संबंधों में कमी होने लगी है क्योंकि समाज में परिवर्तन हुआ है भू सुधार का आंदोलन वगैरह चले हैं कानून वगैरह बनाए गए हैं तो इसकी वजह से ये सब चीज़ें खत्म हो गई हैं मुक्त दिहाड़ी मजदूरों का उदय हुआ है मुक्त दिहाड़ी का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको आज 20 मजदूरों की जरूरत है आप जाइए और 20 मजदूरों को पकड़ लाइए कल आपको 10 की जरूरत है 10 को पकड़ लाइए कल 50 की जरूरत है 50 को पकड़ लाइए यानी आपको जितनी जरूरत है आप उतना पे करिए और आपके यहाँ मजदूर हाजिर हो जाएंगे अब पहले जैसी परंपरा नहीं है कि सुबह के समय आकर आपका बंधुआ मजदूर आपके दरवाजे पर खड़ा होगा वो परंपरा नहीं रही तो यहाँ पर आप देखेंगे ये परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा यानी भूस्वामियों और कृषि मजदूरों के मध्य संबंधों की प्रगति है इसमें परिवर्तन का वर्णन आपके एक समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है जॉन

के रूप में रखने की व्यवस्था करता है यानी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें उत्पादन के साधन और मजदूरों के प्रतिक्र प्रसक्तिकरण और मुक्त दिहाड़ी मजदूरों के प्रयोग पर आधारित होता है यानी कि यहाँ पर यह माना जाता है मजदूरों को वेतन दिया जाए यानी मजदूरों को अनाज ना दिया जाए बल्कि वेतन दिया जाए क्योंकि ये लगातार बाज़ार उन्मुखी हैं तो बाज़ार उनकी होने की वजह से ये लगातार यही बात की पैरवी करते हैं कि सबके पास क्रय शक्ति होनी चाहिए और अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग लोग जो है बाजार से सामान खरीद पाएँ तो इस तरह की बात ये करते हैं तो कहीं ना कि पूंजीवाद में मुक्त दिहाड़ी मजदूरों को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया तो यहाँ पर लेकिन ये भी सच निकल कर आया है कि अधिक विकसित क्षेत्रों के किसान अधिक बाजारोन्मुखी हो रहे थे कृषि के अधिक व्यापारीगढ़ के कारण ये ग्रामीण क्षेत्र भी विस्तृत अर्थव्यवस्था से जुड़ते जा रहे थे यानी लगातार जो किसान जो फसलों की पैदावार बाजार के लिए कर रहे थे वो बाज़ार से जुड़ गए और लगातार जो जो कृषि का व्यापारीगढ़ होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र भी जो कहीं ना कहीं जो शहरों से जुड़ गए हैं और इस प्रकार से मुद्रा या गाँव की तरफ भाव बढ़ गया मुद्रा का और व्यापार के अवसरों रोजगार में भी यहाँ पर गांव में विस्तार हुआ है यानी गाँव वगैरह की संरचना में परिवर्तन देखने को मिला है उन्नीसवीं शताब्दी में महाराष्ट्र में भूमियों के जो बड़े टुकड़े हैं इनमें कपास की कृषि के लिए ये दिए गए थे और कपास की खेती करने वाले किसान सीधे वहाँ पर विश्व बाजार से जुड़ गए थे हालांकि उस समय इसका विकास नहीं हो पाया है इसका असल में विकास स्वतंत्रता के बाद तेजी से इसमें परिवर्तन हो पाया है क्योंकि सरकार ने इन्हें प्रोत्साहित किया है इन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियों के लिए इन्हें जो आर्थिक सहायता भी दी है तो यहाँ पर विकास हो पाया है तो आप देख सकते हैं किस तरह से किसानों ने जो है आर्थिक जो सहायता मिली है या फिर जो प्रोत्साहन मिला है प्रोत्साहन के उपरांत किस तरह से अपना विकास किया है और कृषि का विकास किया है और खास करके अपने आप को बड़ी मंडियों से भी जोड़ पाए हैं यहां पर आप देखेंगे जो राज्य सरकार है राज्य सरकार ने ग्रामीण अल्संरचना जैसे सिंचाई सुविधाएं सड़कें बिजली कृषि संबंधी जो ग्रामीण अल्संरचना है इसमें भी निवेश किया है और इसकी वजह से परिणाम ये कर आया है कि आज ग्रामीण भारत में कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल रहा है भारत सरकार की जो हाल ही में जो दीनदयाली जो उपाध्याय ज्योति योजना है तो ये इस निजाम एक महत्वपूर्ण प्रयास है आपका तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास के जो प्रयास किए गए हैं और इनका समग्र परिणाम न केवल जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है इसमें परिवर्तन आया है बल्कि इसका रूपांतरण भी हुआ है यानी आप देखेंगे ग्रामीण समाज की परिवार संरचना में परिवर्तन ही नहीं आया है बल्कि आज पूरी तरह से ये बदल भी गई है ये बात यहाँ पर लिखी गई है साठ और सत्तर के दशक में कृषि विकास के द्वारा आप देखेंगे कि जो ग्रामीण सामाजिक संरचना है ये सबसे ज्यादा इसका बदलने का तरीका क्या था नई तकनीक थी और नई तकनीक अपनाने वाले मध्यम और बड़े किसानों की समृद्धि थी जिसकी वजह से यहाँ पर सामाजिक समस्या में परिवर्तन आया है अनेक कृषि संबंधित क्षेत्र जो जैसे तटीय आंध्र प्रदेश है पश्चिमी यूपी है मध्य गुजरात है इसमें प्रबल जातियों के जो संपन्न किसान हैं इन्होंने कृषि से होने वाले लाभ को अन्य प्रकार के व्यापारों में निवेश किया और वो अन्य भ्या, अन्य व्यापारों के मालिक भी बन के बैठ गए यानी आप देखेंगे ऐसे करके ये लोग लगातार अन्य, जैसे पहले तो कृषि पर ही डिपेंड थे लेकिन अब क्या कृषि से मिलने वाला पैसा है इन्होंने अन्य जो व्यवसायों में इन्वेस्ट कर दिया है तो वहाँ से भी इन्हें अच्छा खासा प्रतिफल या मुनाफा प्राप्त हुआ है तो ऐसे करके आप देखेंगे इस तरह से विविधता बढ़ी है और विविधता की इस प्रक्रिया से नए उद्यमी समूहों का उदय हुआ है इन्होंने जो है ग्रामीण क्षेत्रों से इन विकासशील क्षेत्रों के बढ़ते कस्मों की ऊपर प्लाइन भी किया यानी अब इन्होंने गाँव को छोड़ दिया है क्योंकि अब एग्रीकल्चर को छोड़कर किसी और रोजगार को अपनाया है तो उस रोजगार में फायदा ज़्यादा होने लगा है तो इन्होंने अपना एग्रीकल्चर छोड़ के शहरों के पलायन कर लिया है तो ऐसे करके आप देखेंगे नए क्षेत्रीय अवजात वर्गों का उदय हुआ है अवजात का मतलब क्या है ऊपरी यानी जो आपका एलिट वर्ग बोलते हैं एलिट क्लास एलिट का मतलब यही होता है उच्च वर्ग तो नए अभिजात वर्ग ये निकल कर आए नए उच्च वर्ग ये बनकर आए हैं आप देख सकते हैं तो ये यहाँ पर बताई गई है यानी कि यहाँ पर ये जो परिवर्तन हुए हैं इससे यहाँ पर खास करके इन वर्गों ने वर्ग सन, संरचना के परिवर्तन के साथ ही जो ग्रामीण और अर्द्वनगरीय क्षेत्र हैं इनमें उच्च शिक्षा का विस्तार भी हुआ है निजी व्यवसायिक महाविद्यालयों की स्थापना भी हुई है यानी अवज्ञात वर्ग ने अपने आप को शिक्षित करने का पूरा प्रयास किया है और शिक्षित करने के साथ साथ तमाम लोग क्या हैं बहतों ने व्यावसायिक या श्वेत वस्त्र व्यवसाय अपनाए हैं गुजरात के संदर्भ में बात हो रही है ये या फिर व्यापार प्रारंभ करके नगरी मध्य वर्गों के विस्तार में इन्होंने योगदान दिया है तो आप देख सकते हैं कैसे ग्रामीण परिवेश से निकले हुए लोग हैं उन्होंने शहरों में जाकर अपना एक धाक जमा लिया और शहरों में एक अपना एक बड़ा व्यवसाय जो समूह जाकर खड़ा कर दिया है ये भी हमें देखने को मिलता है यानी कि हम देखते हैं कि त्वरित कृषि विकास वाले क्षेत्रों में पुराने भूमि या फिर कृषि समूह का संमिकन हुआ है जिन्होंने स्वयं को एक गतिमान उद्यमी ग्रामीण नगरीय प्रबल के वर्ग के रूप में परिवर्तित कर लिया यानी आप देखेंगे कि जो कृषि से जुड़े हुए जो भी समूह थे पुराने भूमि समूह थे तो उनका यहाँ पे विकास हुआ है उन्होंने अपने आप को परिवर्तित किया है अब वो एक गतिमान उद्यमी के रूप में डायनेमिक कह सकते हैं एंट्रप्रनियर के रूप में यहाँ पर निकल कर आए हैं और ऐसे करके एक नए विकास का नए वर्ग का यहाँ पर जन्म भी हुआ है जैसे पूर्वी यूपी बिहार में प्रभावशाली भूत सुधारों का अभाव है आज भी यानी लेकिन आज आप ये भी देखते हैं जैसे बार बार बात हो रही पूर्वी यूपी की हो रही है बिहार की तो इसका रीजन हम पहले ही जान चुके हैं हरित क्रांति में ये इन क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था तो इस वजह से ये क्षेत्र आज भी छूटे हुए हैं लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ भूसधारों का आज भी अभाव है राजनीतिक गतिशीलता तथा पुनर्वितरण के साधनों के कारण वहाँ तुलनात्मक रूप से कृषिक संरचना और अधिकांश लोगों की जीवन दशा में बहुत थोड़े बदलाव हुए हैं यानी यहाँ पर ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है जितना आपको पश्चिमी यूपी पंजाब हरियाणा में देखने को मिला है लेकिन इसके विपरीत आप केरल जैसे राज्य को देखेंगे तो यहाँ की राजनीतिक गशीलता पुनर्वितरण के साधन भाई अर्थव्यवस्था खास करके यहाँ के तमाम लोग खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ की जो सामाजिक संरचना है या ग्रामीण परिवेश में इसमें आपको भरपूर बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि क्या होता है कि जब कोई गाँव का व्यक्ति किसी दूसरे देश में रोजगार के लिए जाता है तो अपने परिवार के लिए रेमिटेंस भेजता है प्रेषण करता है धन का प्रेषण करता है तो ऐसे करके क्या होता है परिवार की माली हालत सुरती चली जाती है और आप देखते हो केरल के ज़्यादातर लोग क्या हैं खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं तो इनके परिवार बड़ी संख्या में परिवार विदेश से भेजने वाले वाले धर्म पर निर्भर हैं खेती पर निर्भर ना होकर जो विदेशों से इनके बच्चे वगैरह विदेशों में काम कर रहे हैं उनके पैसे पर निर्भर हैं तो बताया गया है जैसे केरल का एक घर देख पा रहे हैं एक गाँव के चक्कर में पालघाट के कस्बे में तो ये घर बताया गया है कितना शानदार घर बना हुआ है ग्रामीण परिवेश में क्या आपके उत्तर भारत के ग्रामीण परिवेश में ऐसे घर को मिलेंगे यकीन मानिए बहुत ही न के बराबर इसके अलावा हम देखेंगे मजदूरों का क्या हुआ मजदूरों का संचार हुआ इन सर्कुलेशन कैसे हुआ तो वो भी हम देखेंगे यहाँ पर जो मजदूरों की जो दशा में परिवर्तन हुआ है या मजदूरों के समाज में परिवर्तन हुआ है तो यहां पर प्रवासी कर्च मजदूरों की जो बढ़ोतरी हुई है वो ग्रामीण समाज का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है और यह परिवर्तन खास करके व्यापारीकरण से जुड़ा हुआ है जैसे जैसे जो है कृषि का व्यापारीकरण हुआ है वैसे वैसे मजदूरों की डिमांड बढ़ने लगी है और ऐसे करके कहीं ना कहीं मजदूर यहाँ पर पलायन करने लगे हैं यानी मजदूरों या पहरेदारों या भूस्वामियों के बीच जो संरक्षण का पारंपरिक संबंध था वो टूटने लगा है और जब पंजाब में हरित क्रांति हुई है तो वहाँ पर कृषि क्षेत्र में मजदूरों की डिमांड बढ़ी है तो ऐसे करके आप देखेंगे मौसमी पलायन यहाँ पर एक प्रतिमान के रूप में उभरा है और यहाँ पे तमाम लोग जो क्या है पंजाब की ओर गतिमान हुए हैं रोजगार की तलाश में नब्बे के दशक के मध्य से आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जो बढ़ती असमानताएं हैं यानी यहाँ पर इन्हें अनेक अने गृहस्थियों को स्वयं को बनाए रखने के लिए बहुस्तरीय व्यवसायों को सम्मिलित करने में बाध्य किया है तो इनसे भी यहाँ पर मजदूर प्लान करते हैं यानी कि गांव में तमाम रोजगार अपनाने के बावजूद भी इनका घर नहीं चल रहा है तो क्या हो रहा है तमाम लोग क्या है अपने बीवी बच्चों को गांव में छोड़ देते हैं किसी दूसरे रोजगार को अपनाने के लिए शहरों की ओर चले जाते हैं यानी जीवन व्यापार की रणनीति के तौर तो पर पुरुष क्या है समय समय पर काम या अच्छी मजदूरी की खोज में अप्रवास करते हैं जबकि उनके स्त्री बच्चे या फिर उनके बुजुर्ग माता पिता गाँव में रह जाते हैं तो ये खास करके जो कम उत्पादकता वाले क्षेत्र जो हैं आपके उनमें ये स्थिति देखने को मिलेगी उनमें मजदूर प्रवसन करते हैं उनकी फैमिली उनके गांव में रह जाती है बिहार पूर्वी यूपी की स्थिति यही है और इनके मजदूर आप देखेंगे पंजाब या हरियाणा के खेतों में यूपी के ईंट भट्टों में या दिल्ली या बेंगलोर के जो भवन निर्माण में ये काम करते हैं तो ये मजदूरों की यही दशा है आप जानते होंगे तो प्रवसन करने वाले जो मजदूर हैं इनको जॉन ब्रह्मन ब्रह्मन है ये हमारे समाजशास्त्री इन्होंने घुमक्कड़ मजदूर फूड लूज लेबर इन्होंने कहा है लेकिन इसका अर्थ स्वतंत्रता नहीं है फूट लूज लेबर का मतलब स्वतंत्रता नहीं है देखिए फूट लूज उद्योग सुना होगा आपने फूट लूज उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनके लिए कोई कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह या फिर भारी भरकम हमें आधारित संरचना स्थापित करने की जरूरत नहीं होती है तो वो फूट लूज उद्योग बोले जाते हैं जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए क्या है आपको बस इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल जाए आप कहीं भी उसे सेटल कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए एक भारी भरकम संरचना ही हो भारी भरकम ऑफिस हो मशीनरी हो ऐसा जरूरी नहीं है तो भाई यहाँ पे बताया गया है कि इस तरह के जो मजदूर हैं जो अपने आप स्वाभाविक रूप से दिल्ली वगैरह पहुंच जाते हैं स्वाभाविक रूप से नगरों में पहुंच जाते हैं तो नगरों में कभी भी कमी नहीं होती है मजदूरी की क्योंकि इतने ज़्यादा लोग ही हैं नगरों में पहुंचने वाले तो इसलिए इन्हें फूटलूज लेबर का संज्ञा दी गई है लेकिन इन्हें स्वतंत्र नहीं है स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर नहीं लागू होता है ये लोग मजबूरी में जा रहे हैं ब्रैमन का अध्ययन है मैंने इसके विपरीत ब्रैमन का एक अध्ययन नाइनटीन का ये बताता है कि भूमिहीन मजदूरों के पास बहुत से अधिकार नहीं होते हैं यानी कि वही चीज़ें आ जाती हैं अक्सर न्यूनतम मजदूरी जो गवर्नमेंट ने तय की है वो भी मजदूरी नहीं मिलती है यानी यहाँ यहाँ ये बात ध्यान यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि धनी किसान अक्सर फसल काटने और इसी प्रकार की अन्य गहन दस क्रियाओं के लिए स्थानीय कामकाजी वर्ग के स्थान पर जो भी प्रवासी मजदूर होते हैं उनको बरीता ज्यादा देते हैं इसका रीज़न क्यों है कि अपने स्थानीय यानी मान लीजिए कि पंजाब का किसान है और पंजाब का किसान पंजाब के मजदूरों को यहाँ पर अपने यहाँ नहीं रख रहा है वो यूपी या बिहार के मजदूरों को अपने यहाँ काम दे रहा है इसका रीजन क्या निकल कर आएगा इसका रीजन ये निकल कर आता है क्योंकि लोकल की लेबर होगी तो वो पैसे की डिमांड करेगी मान लीजिए उसने कहा कि हमें पाँच सौ पर डे चाहिए पाँच सौ पर डे चाहिए अब स्थानीय लेबर है तो उसे आपको देने ही पड़ेंगे लेकिन कोई दूर का व्यक्ति है मान लीजिए बिहार से गया है पूर्व यानी बिहार से गया पूर्वी यूपी से गया उसकी मजदूरी है मजबूरी है उसे लग रहा है कि भाई घर से घर छोड़कर हम बाहर आए हैं अब यहाँ पे साढ़े तीन सौ भी मिल जाएंगे तो भी हमारे लिए पर्याप्त हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो बड़े बड़े किसान हैं वो आज यही कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों को केवल इस वजह से ही रखते हैं अपने यहाँ क्योंकि उनके जो आसानी से शोषण कर सकते हैं उनका यानी आसानी से उसको शोषण कर सकते हैं कम मजदूरी देते हैं उन्हें तो इस वजह से ये लोग प्रवासी मजदूरों को ज़्यादा वरीता दे रहे हैं तो ऐसे करके आप देखेंगे इस प्राथमिकता में कुछ विशिष्ट प्रतिमान पैदा हुए हैं जहाँ स्थानीय भूमिहीन मजदूर अपने गाँव से कृषि के चरम मौसम में काम की तलाश के लिए प्रवास कर रहे हैं वहीं आप देखेंगे दूसरे क्षेत्रों के प्रवासी मजदूर हैं स्थानीय क्षेत्रों में काम करने के लिए आए हैं यानी कि पंजाब के मजदूर कहीं और काम करने के लिए जा रहे हैं और बिहार के मजदूर पंजाब में बुलाए जा रहे हैं तो आप एक नए तरह का ये मॉडल विकसित हो रहा है और विकसित होने का रीजन यही है क्योंकि मजदूरी उतनी नहीं दे रहे हैं खास करके बिहार यूपी के लोग तो कम काम दाम पर काम करने को तैयार है लेकिन वहां के लोकल लोग काम कम दाम पर काम करने को तैयार नहीं है और ये जो प्रतिमान खास करके आपके जो गन्ना उत्पादित क्षेत्र है वहां पर यह देखने को मिलेगा खास करके पश्चिमी यूपी में ये बताया गया है यहां पर इन सब के बावजूद आप देखेंगे कुछ उदाहरण और भी दिए गए हैं उदाहरण के लिए जो निर्धन क्षेत्रों में परिवार के पुरुष सदस्य वर्ष का अधिकतर हिस्सा गाँव के बाहर काम करने में बिताते हैं कृषि मूल रूप से महिलाओं का कार्य बन गया है तो आज आप देखेंगे कृषि मजदूरों में महिलाकरण हो रहा है यानी महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है तो यहाँ पर समाजशास्त्री ये मानते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि महिलाओं की स्थिति आज मजबूत नहीं है यानी कि कहीं ना कहीं महिलाओं को पुरुषों से कमतर आंका जाता है उनको कम मजदूरी मिलती है और महिलाओं में असुरक्षा अधिक है यानी तमाम तरह की वारदातें हो जाती हैं तमाम तरह की जो आप देख रहे होंगे असुरक्षा का मतलब क्या है सैलरी पूरी नहीं दे रही है यानी कि गवर्नमेंट ने आपके मौलिक अधिकारों में तो बात कह दी है लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा समानता बढ़ती जाएगी लेकिन फिर भी लोग असमानता बढ़ते हैं उनका मानना यह है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना कम काम करती हैं तो ये भी एक समस्या बनी हुई है अगली हेडिंग है आपकी भूमंडलीकरण उदारीकरण और ग्रामीण समाज में परिवर्तन ये हम देखेंगे यहाँ पर ग्रामीण समाज में इसका क्या असर पड़ा है आप सभी जानते हैं जो ग्लोबलाइजेशन है लिबरलाइजेशन की अप्रोच 1980 के दशक में इसका उदय हुआ है और ख़ास करके जो डब्लू है विश्व व्यापार संगठन में इसकी कहीं ना कहीं इसको और ज़्यादा बढ़ावा देने की बात कही गई है यानी कि इसमें भागीदारी जिन जिन देशों की डब्लू में है तो उसमें उनका उद्देश्य यही है अधिक मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था हो इसमें भारतीय बाजारों को आयात है तो खोलने की आवश्यकता भी है क्योंकि डब्लू के संस्थापकों में भारत भी है शामिल है तो भारत की भी इसके जो जो भी हैं बाध्यताएं उसको मानने के लिए यहाँ पर आ, कह सकते हैं तो बाध्यताएं उसे माननी पड़ेंगी भारत को तो हमें क्या करना है मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है अपने यहाँ के बाज़ारों को खोलना है तो इस वजह से आप देखते हैं कि हमारे यहाँ तमाम विदेशी प्रोडक्ट हमारे यहाँ आ जाते हैं और हमारे प्रोडक्ट जो है विदेशों में बिक पा रहे हैं यानी हम सभी ने आयातित फलों और अन्य खाद्य सामग्री को अपने स्थानीय बाजारों में देखा है ये वो वस्तुएं है होती हैं जो कुछ साल पहले हमें देखने को नहीं मिलती थी क्योंकि आयात प्रतिबंध लगे हुए थे लेकिन अब देखने को मिल रही है इसलिए मिल रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का दौर है यानी वैश्वीकरण का दौर है हाल ही में भारत ने क्यों एक गेहूँ आयात का फैसला लिया है कि गेहूँ भी बाहर से मंगाएं लेकिन इस फैसले का विरोध भी हुआ है कुछ लोगों ने कहा है कि भाई हमने जब खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है तो आप विदेशों से गेहूँ क्यों मंगाएंगे यानी हम जो विदेशों से गेहूँ मंगाने की आप बात करते हैं तो बार बार हमें हमारी जो स्वतंत्रतावाद के प्रारंभिक वर्षों में जो अमेरिका के खाद्यान्न पर हमारी निर्भरता थी इसकी कटु स्मृति याद कराता है क्योंकि अमेरिका वाले हम पे एहसान सा करते थे अमेरिका वाले अपने स्वेच्छा से या ये मतलब एक सामाजिक कल्याण चीज नहीं देते थे बल्कि एक एहसान थोपते थे भाई हम इन्हें गरीब देश है इसलिए भूखे नंगे देश को हम गेहूं भेज रहे हैं तो इस बात से आपको बताओ इस बात से नाराज होकर नेहरू जी ने यह संकल्प कर लिया था कि हमें अपने देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना है तो कहीं ना कहीं उन्नीस तो सौ अस्सी के दशक तक हम जो आत्मनिर्भर बन भी गए थे तो ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं तो बार बार इस बात की आलोचना भी करिए करीब पॉलिटिशियन ने की है कि भाई ये इस तरह की चीज़ें दोबारा नहीं होनी चाहिए इन सबके अलावा आप देखते होंगे जो अनुबंध कृषि है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसका उदय यहाँ पर हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संविधा पर खेती ये भी निकल कर आ रही है जैसे आपके पंजाब कर्नाटक जैसे कुछ क्षेत्र हैं यहाँ पर किसानों ने जो अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं एमएनसीज़ जिसे जिन्हें बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी जैसे पेप्सी है कोक है इसके कुछ निश्चित फसलें जैसे टमाटर आलू को उगाने की संविदा दी गई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और ये कंपनियां उनसे प्रसंस्करण या फिर निर्यात हेतु खरीद लेती हैं और संविदा खेती पद्धति में कंपनियां उगाई जाने वाली फसलों की पहचान करती हैं बीज और अन्य वस्तु निवेशों के रूप में इन्हें उपलब्ध करवाती हैं यानी कि कंपनियां ये बताती हैं जो किसान उनको बता है उनको बताती हैं कि हमें क्या चाहिए मान मान लीजिए आलू चाहिए तो आलू हमें कौन सी किस्म का आलू चाहिए क्योंकि भाई चिप्स बनाने हैं मान लीजिए अंकल चिप्स जो होता है उसको बनाने के लिए छोटा आलू चाहिए नहीं होगा बड़ा चाहिए होगा बड़े साइज का तो ये कंपनियां क्या करती हैं अपनी ओर से बीज प्रोवाइड करवाती हैं भाई आपको ये बीज उगाना है और इस बीज से मिलने वाला जो आलू है ये हम लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर संविदा खेती में कुछ खास किस्म की जो भी वैरायटी है उनकी ही खेती की जाती है यानी कुछ विशिष्ट मदों जैसे फूल हैं कट फ्लावर हैं अंगूर अंजीर अनार जैसे फल हैं कपास तिलहन के लिए आजकल ये बहुत सामान्य है तो यहाँ पर संविदा खेती की के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कुछ विशेषताएँ भी हैं तो डिमेरिट्स भी हैं नुकसान भी हैं जहाँ संविदा खेती किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है वहीं यह कंपनियों के लिए अधिक असुरक्षा भी बन जाती है क्योंकि वे अपने जीवन यानी ये किसानों के लिए ये अधिक असुरक्षा भी बन जाती है क्योंकि ये अपने जीवन के लिए इन कंपनियों पर निर्भर हो जाती है ये हकीकत बात है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छी नहीं है लगातार जो सरकार प्राइवेटाइजेशन बढ़ावा दे रही है मैं भी इसका विरोध कर रहा हूँ बाकी में अच्छा नहीं है प्राइवेटाइजेशन यानी कि आप देखेंगे एक तरह से वही व्यवस्था की ओर हम फिर से लौट रहे हैं जो अंग्रेजों ने लागू की थी अंग्रेजों ने क्या किया था हमसे कॉन्ट्रैक्ट तो ये तो किया था स्टार्टिंग में यानी अगर आप सोलह सौ सो या सत्रह सौ जो आप जाएं उसके आसपास के समय में देखें तो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ व्यापार तंत्र पर कब्जा कैसे किया था हमारे यहाँ ऐसी कॉन्ट्रैक्ट किए थे कॉन्ट्रैक्ट जब हमारे के साथ पूरा नहीं कर पाए तो उन्हें प्रताड़ित करते थे बार बार उन्हें जो तरह तरह से यात्राएं दी जाती थी यहाँ यहाँ पर अब नए समय में प्रताड़ना क्या होगी नए समय में प्रताड़ना हुई कोर्ट कचहरी कर करना और किसान के बस की बात है नहीं कि कोर्ट कचहरी बार बार कर पाएगा तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत के परिवेश में सक्सेसफुल नहीं हो सकती है ये बात हम हम सब अच्छे से जानते हैं लेकिन हाँ कुछ हद तक सही है बड़े किसान हैं उनके लिए सही है लेकिन मध्यवर्गीय किसान है छोटा किसान है उसके लिए बिल्कुल विकल्प नहीं है इसके बारे में हम पहले भी इकोनॉमी में चर्चा कर चुके हैं बड़े किसानों के लिए तो विकल्प है छोटे किसान के लिए विकल्प ही बिल्कुल नहीं है और पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन का समर्थन मैं भी नहीं करता हूँ मेरा मानना यही है अब जिस आप समय से आप अपने विचारों के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन मेरा मानना यही है क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं हमें पुरानी जो हमारा इतिहास है अतीत है उस अतीत को देखने को मजबूर कर देती हैं कि एक बार अतीत को भी पढ़ा जाए कि अतीत में हमने क्या गलतियां की हैं तो वास्तविकता मुझे कभी कभी ये लगती है अतीत की गलतियां हम दोबारा यहाँ पर दोहराई जा रही हैं तो संविदा खेती यहाँ पर आप देखेंगे कि संविदा खेती यहाँ ज़्यादा सफल नहीं है क्योंकि यहाँ पर दिक्कत किसानों को ही उड़ती है एंड में क्योंकि किसान पूरी तरह से कहीं ना कहीं कंपनी पर डिपेंड है कि कंपनी ही बताएगी कि उनका दाम और एक चीज़ और है मान लीजिए कब किसान कंपनी पर डिपेंड हो जाएगा तो कंपनी ही कीमत तय करेंगी अब किसान को कीमत तय करना भी अधिकार में भी नहीं मिलेगा कंपनी ने कह दिया कि भाई आलू मान लीजिए बाजार में बिक रहा है बीस रुपये किलो के हिसाब से अब कंपनी ने पहली तय कर लिया है पाँच रुपये के हिसाब से अब इसमें घाटा किसका है किसान का ही तो है भाई किसान का ही तो घाटा है अब किसान क्या है पंद्रह रुपये का उससे लॉस हो गया एक किलोग्राम पर तो ये कहीं ना कहीं किसानों को ज़्यादा इससे कहीं ना कहीं दिक्कत होगी संविदा खेती का जो समाजशास्त्री महत्व यह है कि यह बहुत से व्यक्तियों को उत्पादन प्रक्रिया से अलग कर देती है और उनके अपने देसी कृषि ज्ञान को निरर्थक बना देती है क्यों निरर्थक क्यों बन जाता है देसी कृषि ज्ञान आपको जो तय मानक है जो भी कॉन्टैक्ट किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग खेती करनी है अपनी जानकारी नहीं लगानी है अपना दिमाग नहीं लगाना है यानी कि जिस तरह से बताई गई है या जिस तरह से आपको कॉन्टैक्ट दिया गया कि भाई हमें फसल आपको यह देनी है इतना फलों का साइज होना चाहिए इतना ऐसा इस तरह की गुणवत्ता के फल होने चाहिए तो आप इस तरह की बात नहीं है तो यानी संविधा जो खेती है मूल रूप से अभिजात मदों का उत्पादन करती है अभिजात का मतलब क्या है बहुत ही उच्च जो आपके फल वगैरह हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है बहुत ज़्यादा उनका प्राइस लगता है तो अभिजात मदों का उत्पादन करती है और इसके लिए अधिक ज़्यादा खाद भी चाहिए कीटनाशक भी चाहिए तो आप कह सकते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से भी जो आपकी जो ये संविदा खती खेती है यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये अच्छी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है उच्च उत्पादन गुणवत्तापूर्ण उत्पादन इन सब की डिमांड करती है तो इन सब के लिए चाहिए क्या हमें खाद भी चाहिए कीटनाशक भी चाहिए तो पर्यावरण के लिए भी हितैषी नहीं है पर्यावरण विधि भी ये मानते हैं कि ये पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी हितैषी नहीं है और वैसे भी भारतीय किसानों के लिए बिल्कुल भी हितैषी नहीं है उसका रीजन मैंने आपको दे दिया ऊपर इतिहास के रूप में भी इसके अलावा कृषि के भूमंडलीकरण का एक अन्य और अधिक प्रचलित पक्ष क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनियों इस क्षेत्र में कृषि मदों जैसे बीज कीटनाशक खाद के रूप में प्रवेश हुआ है अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो लगातार प्रोत्साहित करती हैं एजेंट भेजती हैं बताती हैं किसानों को भाई इससे ये लाभ होगा फसल की जो है उत्पादन दुगना हो जाएगा तिगना हो जाएगा तो यहाँ पर जो यही दिक्कत आ जाती है छोटे किसान जो है वो फंस के रह जाते हैं छोटे किसान इस दलदल में फंस जाते हैं छोटे किसानों के पास इतना पैसा होता नहीं है कि भाई इनको ले सकें वो क्या कर्ज़ उठाते हैं कर्ज उठाने की वजह से क्या होता है उनकी माली हालत लगातार बढ़ती चली जाती है तो ये किसानों को महंगी खाद कीटनाशकों पर निर्भर होना पड़ता है लेकिन लाभ इनका बहुत कम होता है इसलिए किसान ऋणी हो जा हो जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संकट भी पैदा होता है तमाम दिक्कतें ये आती हैं कि किसान कहीं ना कहीं आत्महत्या करने में मजबूर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आत्महत्या की जो श्रृंखलाएं जो, जो तैयार होती हैं जो पूरी ये सिचुएशन जो बताई जा रही है कि ये सब चीजें घटनाएं घटित हो रही हैं तो ऐसी आत्महत्याएं मैट्रिक्स घटनाएं बन गई हैं मैट्रिक्स का मतलब क्या है जहाँ कारकों की एक श्रृंखला मिलकर एक घटना बनती है जैसे मान लीजिए किसान ने एक कारकों की घटना मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ रियल एग्जाम्पल किसान ने एक साहूकार से पाँच हज़ार लिए ठीक है पाँच हज़ार ब्याज पर लिए अपेक्षा उसकी ये थी कि भाई जो उत्पादन होगा हमारे खेतों से उस उत्पादन में लगभग पच्चीस तीस हज़ार में मिल जाएगा मुनाफा मिल जाएगा लेकिन अब प्रकृति की आग किसकी चल सकी है अब प्रकृति ने अपनी मार दिखा दी यहाँ पर अब किसान की फसल मारी गई अब क्या होगा पाँच हज़ार रुपये पाँच परसेंट ब्याज तो एक कारण क्या हुआ एक तो उसने ऊंची दरों पर ब्याज लिया ऊंची दरों पर जो पैसा उठाया दूसरी बात यह भुगतान नहीं कर पाया तीसरी बात यह है कि प्राकृतिक आपदा के चलते फसल का उत्पादन हुआ ही नहीं तो लगातार किसान जो ऋणी होता जा रहा है तो ये सब चीजें हैं इनकी वजह से पूरी एक श्रृंखला तैयार हो गई घटनाओं के कारकों की एक श्रृंखला तैयार होगी तो ऐसे में किसान खुद आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है तो आत्महत्या करने वाले बहुत से किसान सीमांत किसान थे जो मूल रूप से हरित क्रांति के तरीकों का प्रयोग करके अपनी उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे यानी कि जो ही मध्यवर्गीय वाले किसान होते हैं ज्यादातर तो ये आत्महत्या करते हैं आत्महत्या करने के रीज़न वही है कि लगातार कृषि के कुछ जो है जो है कह सकते हैं कर्ज के कुछ चक्कर में फंसते चले जाते हैं कर्ज के दलदल -दल में फंसते चले जाते हैं अपने आप को बाहर निकाल ही नहीं पाते हैं इस वजह से कहीं ना कहीं ये आत्महत्या करने के लिए कहीं ना कहीं विवश हो जाते हैं इन सबके अलावा कई प्रकार के जोखिम उठाना है कृषि जायतों में कमी के कारण उत्पादन लागत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है बाजार स्थिर नहीं है और बहुत से किसान अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए महंगी मदों में निवेश करने लगे हैं देखिए आपने एक बात सुनी होगी अगर आपने पर्यावरण पढ़ा है यानी इकोलॉजी पढ़ी है और वहाँ आपने पढ़ा होगा कि जब हम जमीनों पर लगातार आपका पेस्टिसाइड वगैरह है या फर्टिलाइजर्स हैं इनका उपयोग करते हैं तो क्या होता है हमारी लागत बढ़ती चली जाती है क्योंकि ज़मीन की जो उर्वर क्षमता है कम हो जाती है क्योंकि ज़मीन की जो नेचुरल उर्वर क्षमता है वो कम हो जाती है ज़मीन भी डिपेंड हो जाती है किन पर इन खाद 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 वगैरह पर डिपेंड हो जाती है खाद पर पेस्टिसाइड पर डिपेंड हो जाती है जमीन अपने आप जो चीज़ अपने आप उगा सकती थी अब वो अपने आप नहीं उगा रही वो ये चाह रही है कि हमें और खाद मिले तो उस वजह से क्या होता है कि खेती की लागत लगातार बढ़ती चली जाती है ये अगर आपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ी है तो वहाँ पर ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि ज़्यादातर अगर अगर आप ज़्यादा खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक एक स्थिति ये बनेगी कि खेत में और ज़्यादा खाद लगेगी और ज़्यादा खाद लगेगी यानी कहीं ना कहीं खेती और ज़्यादा पैसे की डिमांड करने लगी और ज़्यादा लागत की डिमांड करने लगेगी इस वजह से उत्पादन जो है आपका बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है आपको रिजल्ट जो है अपनी आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं मिलता है तो ऐसे करके आप कर्ज के कुचक्र में फंसते चले जाते हैं तो किसानों की जो आत्महत्या है इसका प्रतिमान ग्रामीण क्षेत्रों में अनुभव किए जाने वाले महत्वपूर्ण संकट की ओर संकेत करते हैं कृषि बहुत से लोगों के लिए आरक्षण होती जा रही है यानी आरक्षणी का मतलब क्या है इसका रक्षा नहीं कर पा रहे हैं बहुत से लोग और कृषि के लिए राज्य का सहयोग भी बहुत कम मिलता है यानी गवर्नमेंट बार बार कहती है हम सहयोग दे रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेकिन वास्तविकता ये है कि गवर्नमेंट का सहयोग भी इतना ज़्यादा नहीं होता है यानी कि अब तो गवर्नमेंट पैसे भी डालती है दो दो हजार रुपये लेकिन आप समझ सकते हैं आज के समय में दो हजार रुपये से क्या हो जाएगा दो हजार रुपये से क्या कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है तो ये सब चीज़ें हैं इनकी वजह से आप देख रहे हैं लगातार ऋणग्रस्तता और कृषि उत्पादन की प्रक्रिया में आने वाली जो प्राकृतिक या सामाजिक संकट हैं ये किसानों की आत्महत्या के, के मुख्य कारण बने हैं हालांकि गवर्नमेंट ऐसा नहीं है गवर्नमेंट सचेत नहीं है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ग्राम उदय से भारत उदय अभियान और साथ ही नेशनल अर्बन मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण और नगरी मिशन ये कार्यक्रम है जिन्हें भारत सरकार संचालित कर रही है और इन कार्यक्रमों ने पूरे देश में किसानों के लिए एकीकृत एक सहायता के मार्ग खोले हैं खास करके यहाँ पर ये इनका उद्देश्य यही है कि जो किसान हैं ग्रामीण लोग हैं इनके जीवन में गुणात्मक सुधार आए गुणात्मक परिवर्तन आए हालांकि आप देखेंगे इनसे लाभ भी हुआ है किसानों को फायदा भी मिल रहा है लेकिन दिक्कत वही है देखिए इन सबके पीछे भी एक रीजन वही है रीजन में फिर से मैं बार बार दोहरा रहा हूँ एक तो एक जनसंख्या भी बढ़ रही है एक रीजन जो यहाँ पर नहीं मैंशन किया गया इस किताब में वो है सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जनसंख्या यानी पहले आज से आप देख सकते हैं बीस साल पहले किसी परिवार पर बीस बीघा जमीन थी अब बीस बीघा जमीन थी तब उनके चार बेटे थे अब चार बेटों में डिवाइड होगी एक पिता के चार बेटे थे उनके चार बेटों में ये जमीन डिवाइड होगी अब पाँच पांच रह गई पांच पांच बीघा सबको मिली फाइव 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 अब पाँच पाँच में भी इनके भी दो 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 तीन तीन चार चार हो गए अब इसमें भी जमीन जो है कम होती चली गई सबसे बड़ी दिक्कत है जनसंख्या वृद्धि मेरा मानना है अगर जनसंख्या पर भी लगाम लगाई जाए तो ये सिचुएशन जो क्रिएट जो सब हो रही है जो समस्याएं निकल कर आ रही हैं उन सब पर लगाम हम लगा पाएंगे और यकीन मानिए अगर हद से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती गई तो सारे संकट आपके सामने आएंगे आप चाहे गवर्नमेंट पर दोष दे लें चाहे आप सिस्टम पर दोष दे लें फिर तो वो आपके हाथ में है लेकिन मेरा मानना ये की है एक पक्ष आपका जनसंख्या भी है जनसंख्या को सीमित कीजिए और यही आपके लिए भविष्य का सॉल्यूशन होगा यानी आप जो देख रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई बढ़ती हुई आप देखते हैं लगातार जमीनें नहीं मिल रही हैं खेती के लिए हमारे पास संसाधन कम हो रहे हैं तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन जनसंख्या वृद्धि है और जनसंख्या वृद्धि के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा मैं लगातार जितने भी मेरे वीडियो रहे हैं सब में मैंने ये मुद्दा रखा है प्रबल रूप से रखा है कोशिश ये कीजिए लोगों को जगाइए बताइए गरीब परिवारों को समझाइए कि ज्यादा बच्चे करने से आप ये सोच रहे हैं ज्यादा उत्पादन कर लेंगे नहीं ऐसा नहीं होगा बोझ पड़ेगा आपके ऊपर तो कहीं ना कहीं आप जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करेंगे तभी कुछ थोड़ा समाज में परिवर्तन आएगा केवल गवर्नमेंट के करने से कुछ भी नहीं आएगा यानी हमें भी कहाँ पर सहयोग देना पड़ेगा तब परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा तो ऐसे करके आपका एक चैप्टर समाप्त हो गया है आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा आप लोग देखिए वीडियो को लाइक शेयर कर जरूर कर दिया कीजिए बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप कम से कम इतना चाहें आप ये मान लीजिए हम सर को पे कर रहे हैं अपने आप स्वेच्छा से, से कि एक हम चार पांच लोगों को भेज देंगे यही हमारे लिए सर के लिए हमारी फ़ीस होगी तो आप इस तरह से मतलब कर दीजिए यानी कम से कम भी वीडियो पहुंचना चाहिए लोग तमाम ऐसे लोग हैं मैं देखता हूं बच्चों के कमेंट पढ़ता हूँ तो देखते हैं कि सर हमें पहले पता ही नहीं था चैनल के बारे में पहले पता होता तो हम आज पढ़ाई बेहतर कर पाते तो आप लोग कम से कम वीडियो को स्प्रेड करने में मदद कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो